बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान सीमल हाशमी। सिटी 10 में आपको खुश आमदीद कहेंगे। और सबसे पहले हम आपको पता है प्रोग्राम के आगाज़ में मौसम की अपडेट्स लेते हैं। सितंबर शुरू हो चुका है लेकिन अभी तक दिन के औकात में हब्स भी महसूस होता है और कभी जब हवा बंद हो जाती है तो बादल होने के बावजूद गर्मी महसूस की जा रही होती है। आज महकमा मौसमियात की जानिब से प्रेडिक्शन क्या की जा रही है वेदर के हवाले से, टूडेज़ वेदर शामिल करेंगे। ताहिर जमील हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर बताइएगा, शहर लाहौर का मौसम कैसा रहेगा? बिल्कुल, शहर लाहौर के अगर मौसम की बात करें तो आज भी शहर का मौसम गुज़िश्ता रोज़ से कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं होगा। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, जबकि जैसे जैसे दिन ढलता जाएगा तो दर्जा हरारत में भी कमी वाक़ होती जाएगी और शाम के औकात में ये दर्जा हरारत महज 25% रह जाएगा। हवा की अगर बात करें तो इस वक्त 13 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है, जबकि इसमें नमी का तनासुब 63% है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा, बादल भी छाए रहेंगे शहर के मुख्तलिफ इलाकों में और कहीं कहीं इससे बूंदाबांदी के भी कुछ इम्कान हैं। ताहम ज़्यादातर इलाकों में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। ताहम ये बादल होने की वजह से और मतलब अबर आलूद होने की वजह से दर्जा हरारत कुछ बेहतर होगा और जो हब्स है उसमें कुछ कमी वाकया होगी। ताहम महकमा मौसमियात का ये कहना है कि बारिश की जो ये जो मौसम की जो ये सूरत हाल है 7 तारीख तक जारी रहेगी और उसके बाद शहर में बारिश के इम्कान हैं। ख़ासतौर पर सितंबर के वस्त में शहर में बारिशों के जो एक नया सिलसिला है उसके इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। जी ताहिर जमील, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ टॉप स्टोरीज की तरफ चलते हैं और देखते हैं डेली शरीफ आई टू की आज की हमारी लीड स्टोरी क्या है। 25 मॉडर्न रेडी बाजार बनेंगे, जगहों की निशानदेही के लिए सर्वे का हो। टीचिंग अस्पतालों की निजकारी नामंजूर, ग्रैंड हेल्थ अलायंस का एहतजाज का ऐलान। टैक्स वसूली, इंटरसिटी रूट्स पर 11 नए टोल प्लाजे बनाने का फैसला कर लिया गया। और 8 माह में 7 अमवात, लाहौर पुलिस की मावराए अदालत हलाकतों का 10 साल रिकॉर्ड टूट गया। इन खबरों को हम डिस्कस करेंगे और प्रोग्राम को बाकायदा शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक अहम खबर देंगे और आपको बताएंगे एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत, मरीम नवाज यूसुफ अब्बास को एहतसाब अदालत पहुंचा दिया गया है। जबकि दूसरी जानेब पैरागॉन स्कैंडल केस में ख्वाजा बरादरान को भी आज एहतसाब अदालत में पेश होना था, उन्हें भी एहतसाब अदालत पहुंचा दिया गया है। मनाजर आप देख सकते हैं, आज मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत में मरियम नवाज यूसुफ अब्बास को एहतसाब अदालत पहुंचाया गया है, जबकि साथ ही साथ पैरागॉन स्कैंडल केस में ख्वाजा बरादरान को भी एहतसाब अदालत पहुंचा दिया गया है। सिक्योरिटी के सख्त हिसार में और कंटेनर्स लगाकर रास्ते भी बंद किए गए। आज 2 अहम केसेस की समाअत हैं जिसमें पैरागॉन स्कैंडल केस है और इसके साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग केस भी है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मरियम नवाज और यूसुफ अब्बास को आज एहतसाब अदालत में पेश होना था, नैब की जानिब से उन्हें पेश कर दिया गया है। जबकि पैरागॉन स्कैंडल केस में भी ख्वाजा बरादरान को एहतसाब अदालत पहुंचा दिया गया है। समाअत कुछ ही देर में शुरू होगी। चूँकि एहतसाब अदालत में आज लीगी रहनुमाओं की पेशी थी तो कारकुनों की हतुल इम्कान कोशिश होती है कि वो भी एहतसाब अदालत पहुँचें और अपने लीडरान से इजहार यकजहती करें। इसी सिलसिले में वकला लीगी कारकुन जो हैं वो भी एहतसाब अदालत में मौजूद थे, उनकी धक्कम बेल हुई और एहतसाब अदालत के जज अमीर मोहम्मद खान की अदालत का दरवाज़ा टूट गया। आपको बताते चलें कि एहतसाब अदालत में आज लीगी रहनुमाओं की पेशी और वकला लीगी कारकुनों की धक्कमपेल, जिसके बायस एहतसाब अदालत के जज अमीर मोहम्मद खान की अदालत का दरवाज़ा टूट गया। हम खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और आज की हमारी जो लीड स्टोरी है, 25 मॉडर्न रेडी बाजार बनाए जाएंगे, जगहों की निशानदही के लिए सर्वे का हुक्म दे दिया गया है। इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद होंगे जिन्हें मैं खुश आमदीद कहूंगी। अस्सलाम वालेकुम इरफान, वालेकुम क्या हाल चाल है आपके? जी ठीक ठाक। मैं इतना बह गई उस खबर की
डिटेल्स में कि मुझे भूल गया कि मैंने अभी तक आपको इंट्रोड्यूस नहीं कराया। अच्छा इरफान, ये ऐसा नहीं लगता ये पुराना मंसूबा है, कहीं शहबाज शरीफ के दौर में शुरू हुआ था और अब शायद इस पर पीटीआई या बुज़दार नामी तख्ती लगने जा रही है? सिमल, बिल्कुल आपको याद होगा कि आज से कुछ 4 साल पहले जो साबिक हुकूमत की तरफ से ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था और मॉडल बाज़ार जो थे वो लगाए गए थे, और उसमें मॉडल बाज़ार के अंदर जहाँ पे मॉडल बाज़ार का कॉन्सेप्ट दिया गया था वहीं पे उसके साथ साथ ये रेड़ियों की के लिए जो मुख्तलिफ पॉइंट जो थे वो मुख्तस किए गए थे, जहाँ पे ये मॉडर्न रेड़ी जो बाज़ार थे वो लगाए जाने थे और उनका आगाज़ भी किया गया था। लाहौर के कुछ पॉइंट ऐसे थे जहाँ पे ये मॉडर्न रेड़ियाँ जो हैं वो हमें सड़कों के ऊपर नज़र भी आती थी। उसके बाद जो है वो प्रोजेक्ट उस तरह परवान नहीं चढ़ सका, पिछली गवर्नमेंट ने भी उसको उस तरह फॉलो नहीं किया, शुरू तो कर दिया गया लेकिन उसके बाद उसको फॉलो नहीं किया गया और वो मंसूबा ठप से ठप होता गया। अब भी अगर शहर की सूरत हाल देखा जाए तो आपको शहर के अंदर 60,000 से ज़ायद जो रेड़ियां हैं वो मौजूद हैं। 60,000 से ज़ायद रेड़ियों का मकसद है कि वो तमाम की तमाम रेड़ियां ऐसी सड़कों ऐसी चौराहों के ऊपर आपको नज़र आती हैं जिसकी वजह से रोड ब्लॉक होता है, उसको तजावजात में भी लेके आते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप देखें कि वो 60,000 लोग जो हैं वो अपना रोज़गार इन रेड़ियों के ज़रिए कमा रहे हैं। तो उनको अब स्ट्रीमलाइन करने का फैसला किया गया है। एक अच्छी चीज़ है कि आप एक पुराना प्रोजेक्ट है चले उस पर नई तख्ती लगाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप एक अच्छा प्रोजेक्ट जो है उसको ऑन कर रहे हैं कि ये ठीक है, ये प्रोजेक्ट अच्छा था, हम इसको लेके चले। आपको ये भी याद होगा कि लाहौर में ऐसे कई प्रोजेक्ट हैं जिनको रोक दिया गया सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो साबका दौर के अंदर उसको आगाज़ हुआ था और इसी वजह से उनको रोक दिया गया, उनके ऊपर ना तो तख्तियाँ लगाई गई और जो तख्तियाँ लगी थी उस काम को भी रोक दिया गया, लोगों के लिए वो अजियत बने हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो और आप देखिए शहर में जो तजावजात की हम बार बार बात करते हैं उनमें एक बड़ा हिस्सा इन रेड़ी बानों की वजह से भी होता है कि आपकी सड़कें जो हैं वो ऑक्यूपाई हो जाती हैं और शहर की बेशुमार ऐसी सड़कें हैं जिनका मैं नाम ले सकती हूँ जहाँ पर बाकायदा इन रेड़ी बानों ने कब्जा किया। बिल्कुल बिल्कुल, आप जब फिर वहां से हटाते हैं तो ये बात शुरू हो जाती है कि गरीब की रोजी लगी हुई है, लेकिन जाहिर है बहरहाल गैर कानूनी काम की इजाजत तो किसी को भी नहीं दी जा सकती। सिमल, बात आपकी ठीक है। आप अगर रोड्स की हम बात करें तो भट्टा चौक जो है वो डीएचए के पास जो आपको वो एरिया सारा रेड़ियों से भरा पड़ा नजर आता है। ये मेन बुलेवार्ड देख लीजिए, मुगलपुरा से आगे बाद कैनाल रोड का पूरा एरिया देख लें, इसके पास जो रेलवे हेडक्वार्टर है इसके पास आपके देखे तो आपको पूरा बाजार जो है बहुत बड़ी तादाद में ये रेड़ियां वहां पे नजर आती है। जैन मंदिर चौक आ जाए आप वहां पे आपको नजर आएंगी, फिर उसके बाद रोड पे आप नजर आ जाएं। इसी तरह शहर के मुख्तलिफ पॉइंट है, जैसे हमने बताया कि 60,000 से ज़ायद जो रेड़ियाँ हैं लाहौर में मौजूद हैं, तो इनको स्ट्रीमलाइन करने के लिए, इन लोगों का रोज़गार जो है उसको बाज़ाब्ता करने के लिए ये एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, और इस प्रोजेक्ट के तहत तमाम जो जोन्स हैं उनके हेड्स को ये अभी टास्क दिया गया है कि वो अपने अपने इलाके में जो उस जगह का तयन करें कि जहाँ पर ये मॉडल बाज़ार जो हैं, रेड़ी बाज़ार जो हैं जिन्हें कहा जाएगा, इनको लगाया जा सके। अच्छा, इसमें ये कहा है कि 3 रोज में तमाम डाटा जो है वो कलेक्ट करने और इन रेड़ियों को रजिस्टर्ड किया जाएगा, तो क्या ये जो मौजूदा रेड़ियां हैं उन लोगों के पास वही रहेंगी या हुकूमत नई रेड़ी देंगी? क्या एक मॉडर्न बाजार जो बनाया जाएगा उसका कुछ सेटअप बताया गया? सिमल, देखिए अभी तक इस खबर के मुताबिक जो सेटअप होगा वो सिर्फ ये होगा कि आप पहले आपके लिए वो जगह मुख्तस की जाएगी, उसके बाद वो रेड़ी बांध जो है उनके जो शिनाख्ती कार्ड लेके उनको रजिस्टर्ड किया जाएगा कि आपको पता होगा कि शहर में इस वक्त कितने लोग जो हैं वो इंटरेस्टेड हैं इन रेड़ी बाज़ारों के अंदर अपनी अपनी रेड़ियां लगाने के लिए। तो उसके बाद जो है वो रेड़ी की जिम्मेदारी वो होगी उस शख्स की जिसने वहाँ पे उसको रेड़ी बाज़ार के अंदर अपना हिस्सा लेना है, अपनी वो उसने रेड़ी लगानी है, अपना कारोबार करना है, वो उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन उसका मॉडल जो है वो डेफिनेटली हुकूमत की मंजूरशुदा रेड़ी जो उसका डिज़ाइन होगा, जैसे पहले किया गया था उसमें तमाम रेड़ियाँ जो थी वो एक ही तर्ज की थी, एक ही डिज़ाइन उनका था और उसको जो मॉडल बाजार उसके पास पास जो है वो रेड़ियाँ लगाई गई थी। लेकिन इरफान, ऐसा तो नहीं होगा कि ये रेड़ी बाजारों का कारोबार चमकने के साथ साथ और भी बहुत से लोगों का कारोबार चमक जाएगा? सिमल, वो तो डेफिनेटली माजी की मिसाल अगर देखें तो ऐसा ही होता है ना, जगह लेने के लिए आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, वहां पर रेड़ी अपनी मनपसंद जगह पर रखने के लिए शायद कुछ ना कुछ देना पड़े, कुछ मंथलियां लग जाएंगी, कुछ हफ्तावार वसूल किया जाएगा, ऐसा सिस्टम तो नहीं होगा? सिमल, ये तो लाजमी बात है कि ये तो सारी चीजें होनी है। आप मॉडल बाजार की जो हम बात करते हैं, ये जो संडे बाजार जो है वो लगाए जाते हैं, उसमें अगर कभी जाने का इत्तेफाक हो तो वहां पे आप देखेंगे कि एक माफिया है जो जिसका जो जिनकी रेड़ियां जिनके स्टॉल जो हैं वो गेट्स के पास लगते हैं, एंट्री एग्जिट पॉइंट के पास उनके जो स्टॉल्स हैं वो लगाए जाएंगे। जो लोग पैसे नहीं देते,
जिन लोगों के उनसे मामला नहीं है ठीक, उनके बाज़ार जो हैं वो उनका स्टॉल जो है वो पीछे जाके कहीं पे होगा और उनको बार बार नोटिस भी होंगे, और जो लोग पैसे देते होंगे, जो लोग उनके साथ मिली भगत करते होंगे, उनको ना होगा ना उनका सामान चेक होगा और वो आगे बैठे होंगे। चलिए, मैं कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि ऐसा ना करिएगा, अपने लिए रेडिया मांग लीजिएगा कमिश्नर साहब से। कोशिश करिएगा कि फेयर एंड स्क्वेयर तरीके से इस प्रोजेक्ट को आप आगे लेकर चलें। अभी आपने तीन दिन की डेडलाइन तो दी है कि तमाम होमवर्क मुकम्मल किया जाए, जगहों का सर्वे किया जाए, लोगों की रेड़ियाँ जो है वो रजिस्टर्ड हों। तो लेट्स सी कि ये वाकई में तीन दिन में काम होता है या 30 दिन बाद भी कोई पूछने वाला नहीं होगा। इरफान, यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और एक अहम खबर शामिल करेंगे प्रोग्राम में और आपको बताएंगे एलएनजी केस में एक अहम पेशरफ्त हुई है। नैब ने इकबाल जैद अहमद को गिरफ्तार कर लिया है। इकबाल जैद अहमद को अलहमरा हॉल के अकब में दफ्तर के बाहर से गिरफ्तार किया गया है। जरा ये बता रहे हैं नैब कराची की टीम की सरबराही एडिशनल डायरेक्टर नौमान मुश्ताक ने की है और इकबाल जैद के रहदारी रिमांड के हवाले से मुशावरत भी जारी हुई है। अहम पेशरफ्त आपको बता रहे हैं, एलएनजी केस में नैब ने इकबाल जैद अहमद को गिरफ्तार कर लिया है। इकबाल जैद अहमद को अलहमरा हॉल के अकब में वाके दफ्तर के बाहर से गिरफ्तार किया गया। नैब कराची की टीम की सरबराही एडिशनल डायरेक्टर नौमान मुश्ताक ने की। जरा ये भी बता रहे हैं कि इकबाल जैद अहमद की रहदारी रिमांड के हवाले से मुशावरत जारी है। अहम पेशरफ्त आप देख रहे हैं नैब के हवाले से, एलएनजी केस में नैब ने इकबाल जैद अहमद को गिरफ्तार कर लिया है। और इसी के साथ आपको बताएंगे लाहौर बोर्ड इंटरमीडिएट पार्ट टू के नतायज का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें कामयाबी का तनासुब 63% रहा। इम्तिहान में 1,81,000 उम्मीदवारों ने शिरकत की। उम्मीदवार 80029 पर SMS के जरिए अपने नतायज मालूम कर सकेंगे। इम्तिहान में 1,15,000 उम्मीदवार कामयाब रहे हैं। आम खबर आपको दे रहे हैं, लाहौर बोर्ड ने इंटरमीडिएट पार्ट टू के नतायज का ऐलान कर दिया है। रवां साल कामयाबी का तनासुब 63% रहा और इम्तिहान में 1,81,000 उम्मीदवारों ने शिरकत की। और आपको बताएं कि इम्तिहान में 1,15,000 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। उम्मीदवार 80029 पर SMS के जरिए नतायज मालूम कर सकेंगे। गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे, इरफान हमारे साथ मौजूद है। इरफान, पार्ट टू नतायज का ऐलान हुआ, लेकिन मुझे वो दौर याद आ गया जब एक्चुअली गजट आया करते थे, भागा करते थे अपना रिजल्ट मालूम करने के लिए और पता होता था कि क्लास फेलोज के रोल नंबर आगे पीछे हैं, उनका उनके भी उनके चेक कर लेने और अगर अपने नंबर ठीक आ गए तो दूसरे के देखने में हमारे से ज्यादा तो नहीं आया। और फिर अगर अपने कम, अपने थोड़े कम आए हैं और आपके फ्रेंड के उससे भी कम आ गए तो घर आके बताना वो फ्लां के तो इतने आए हैं, मेरे उससे तो ज्यादा आ गए। तो ये एक बड़ी एक्टिविटी हुआ करती थी, बट अब चूंकि मॉडर्न दौर आ गया तो बस अपना रोल नंबर आप SMS करें और आपने किसी को बताना है नहीं बताना वो आपकी जवाबदेही के ऊपर है। लिस्टें भी नहीं लगनी। हाँ, लिस्टें भी नहीं लगनी। खैर, एनीवेज आगे बढ़ेंगे जी, हम अगली खबर की तरफ चलेंगे। टीचिंग अस्पतालों की निजकारी नामंजूर, ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने एहतजाज का ऐलान कर दिया है। कल भी हम ये मुसलसल खबर डिस्कस कर रहे थे, तमाम टीचिंग अस्पतालों को प्राइवेटाइज कर दिया गया है। ऑर्डिनेंस बाकायदा रात गए जारी हुआ और उसके बाद अब ये जो MS प्रिंसिपल का होता है ये खत्म कर दिया जाएगा। डीन डायरेक्टर आएंगे और प्राइवेट बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का एक पूरा सेशन बिठाया जाएगा जो डिसाइड करेगा कि गरीबों को मुफ्त इलाज देना है नहीं देना। तमाम डॉक्टर्स नर्सेस का सरकारी दर्जा मुलाजमत का खत्म कर दिया गया है। अब इस पर ग्रैंड हेल्थ अलायंस एहतजाज कर रहा है, YDA ने भी एहतजाज के कॉल दिए, आप भी एहतजाज करेंगे? सिबल, देखिए इसमें एहतजाज तो बनता है कि आपने एक रात के अंधेरे में एक ऐसा ऑर्डिनेंस पेश कर दिया जिसके बारे में आपने पहले तमाम जो कंसर्निंग अथॉरिटीज़ थी उनसे पहले आपने कहा था कि आपकी मशावरत के बाद इस ऑर्डिनेंस को पास किया जाएगा। और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें आ तो उसमें भी ये इस बात का जिक्र किया गया YDA की तरफ से कि इस बारे में हुकूमत ने ये ऑर्डिनेंस लाना था और इस बारे में हुकूमत ने तमाम जो कंसर्निंग लोग थे उनसे ये कहा था कि अपनी अपनी मशावरत जो सिफारशात हैं वो मुरतब करें। वो लोग अभी ताकि वो हम रद्दी की टोकरी में डाल दें और जो हमने करना है हम वही वो देखें। वो सिफारशात एक तरफ मुरतब कर रहे थे तो दूसरी तरफ रात के अंधेरे में आपने एक जो है ऑर्डिनेंस जारी कर दिया जिसके बाद तमाम के तमाम जो टीचिंग हॉस्पिटल हैं पंजाब भर के उनको आपने प्राइवेट कर दिया।
अचानक आपने तमाम जी इतना बड़ा फैसला किया और उस फैसले के बाद आप देखें कि कितने लोग जो हैं इस पे सफ़र होंगे, कितने लोगों को इसमें मुश्किल। आप सिर्फ टीचिंग अमला जो है उसको छोड़ें, आप उसमें डॉक्टर्स हजरात जो हैं वो चले अपने कहीं प्राइवेट क्लिनिक पे कर लेंगे, कुछ कर लेंगे, उनके मामला चलते रहेंगे। सिर्फ सीनियर डॉक्टर्स, सीनियर डॉक्टर आप देखिए जितने इतने यंग लॉट डॉक्टर्स की आ रही है, और उन्होंने कल ये पॉइंट आउट किया कि हम 30-30 घंटे नौकरी करते हैं, मुसलसल शिफ्ट करते हैं, वो सिर्फ इसलिए कि हमें जॉब सिक्योरिटी भी ना रहे। ये कहाँ का इंसाफ है? बिल्कुल सिमल, देखें हम मैं वही बात कर रहा हूँ कि ये लोग डॉक्टर्स हजरात जो हैं इनके साथ तो जो हो रही है वो हो रही है, उसके साथ आप देखेंगे जो पेशेंट्स के साथ होगी, पेशेंट्स को जितनी मुश्किल सामना करना पड़ेगा वो उसका अभी आप लोगों को अंदाज़ा नहीं हो रहा कि उन लोगों के साथ किस तरह एक बोर्ड ऑफ गवर्नर जो 5 से 7 लोग जो है वो उसकी सवाबदीद पर होंगे। इससे ज्यादा क्या बुरा कर सकते हैं? हाँ, पहले देखें कि लोग डायरेक्टली वहां पे जाते थे, वहां से जाके 2-4-5 रुपए की पर्ची बनवानी, उसके बाद उसका इलाज शुरू हो जाना। अब जो है वो सूरत हाल ये होगी कि अब वहां पे आपको एडमिट तो कर लिया जाएगा, लेकिन उसके बाद आपका एक बोर्ड जो है वो उसके ऊपर डेली कितने जो केसेस हैं वो देख सकेगा। यहाँ पे तो हजारों की तादाद में लोग जो है वो इमरजेंसी और दीगर जो आउटडोर डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे चेकअप के लिए आते हैं। अच्छा इरफान, इसमें ये भी खबर आ रही थी कि पंजाब हुकूमत इस हद तक बद इंतजामी का शिकार हो चुकी है कि अगले महीने डॉक्टर्स की सैलरी, पैरामेडिक्स की सैलरी, नर्सेज की सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है इनके पास। सिमल बिल्कुल ये हालात, लेकिन गाड़ियां खरीदने के पैसे हैं, कर्जे माफ करने के लिए आपके पास जो है पूरी ओवरऑल हुकूमत की अगर मैं बात करूँ, फेडरल हुकूमत खासतौर पर पीटीआई की, उनके पास वो इख्तियारात हैं कि वो उसको माफ कर दें। सिमल देखे वो माफ करना तो उनके डबल सैलरीज अगर अरकान असेंबली को देनी हो तो उसके लिए पैसे हैं। देखें वो चीजें अपने लिए वो जो भी कर सकते हैं, अगर आप ये कहें कि उनके कुछ अजीज जो थे, उनके कुछ दोस्त थे, कोई दोस्त अखबार थे, उनके अगर उन्होंने कर्जे माफ़ कर दिए तो हुकूमत में आने का इतना फ़ायदा तो उठाना चाहिए ना, कि अगर हुकूमत में आए तो कम से कम ये तो कर सकें। दूसरी बात रही कि वो आप गरीब आवाम की, तो वो तो उनके नसीब में ही है कि वो उन्होंने हर गवर्नमेंट के अंदर उनके साथ ऐसे ही कोई ना कोई अजाब उनके ऊपर तारी होना है, वो ख्वा कोई भी गवर्नमेंट हो। अच्छा मैं गरीब आदमी की किसी जगह थोड़ा सा हटके आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी, बचपन में कभी आपको मार पड़ी है अपनी अम्मी से? कई दफा पड़ी है। अभी भी। अच्छा ये कभी हुआ था? मैंने बहुत से लोगों से ये सवाल पूछा, मेरे पर्सनली मेरे साथ होता था। अम्मा एक थप्पड़ लगाती थी और फिर कहती थी आवाज ना आए, चुप कर जाओ, क्योंकि हम जॉइंट फैमिली में रहते थे तो वो मेरा रोना जो है वो फिर पूरे घर में सुना जाता था। तो एक थप्पड़ पड़ता था, दूसरी तरफ से आती थी खबरदार आवाज निकाली, और अगर आवाज निकाली तो एक और पड़ेगा। ऐसा हुआ था आपके साथ? सिमल ऐसा भी होता है और यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है, यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है कि आपको थप्पड़ लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है खबरदार आवाज निकाली, तो अस्पतालों में एहतजाज पर पाबंदी लगा दी गई है। ये क्या तमाशा है सिमल? यही जमहूरियत है। देखें यही गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट मौजूदा गवर्नमेंट है ये वो उन एहतजाज के यहाँ पे आई है, इस हुकूमत में आई है, और उन एहतजाज को ही उनका पहला फोकस जो उनका था। देखें पहले उन्होंने मीडिया के ऊपर कदम लगानी शुरू की, मीडिया को ब्लॉक किया, डॉक्टर्स के ऊपर, उसके बाद देखें एहतजाज के ऊपर बैन लगाया, उनके एहतजाज के ऊपर, रैलियों के ऊपर, ये दोनों वो चीजें थी जिनके सर के ऊपर पीटीआई बैठकर हुकूमत करती रही। चलें इस पर मैं आपसे बात करूंगी, और इस बात पे एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है इंटरेस्टिंग सा, वो भी मैं आपसे पूछूंगी। लेकिन दूसरी जानेब आपको एक अहम खबर देंगे, एहतसाब अदालत की अपडेट्स देंगे, जहां पर लीगी रहनुमाओं की पेशियों का मामला है। अदालत के बाहर लीगी कारकुनों की एक बड़ी तादाद जमा है, पुलिस के साथ झड़पें हो रही हैं। आपको बताते चलें कि साबिक डेप्यूटी मेयर मियां तारिक को एंटी राइट फोर्स ने तशद्दुद का निशाना बनाया है। ये मनाजर भी आप देख सकते हैं कि ये साबिक डेप्यूटी मेयर हैं मियां तारिक, जो कि एहतसाब अदालत के बाहर मौजूद अपने कायदीन से इजहार यकजहती के लिए आए थे, और एंटी राइट फोर्स के अहलकारों की जानिब से उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। मनाजर आप देख सकते हैं कि किस तरह का सलूक किया जा रहा है लीगी कारकुनों के साथ। एंटी राइट फोर्स की तरफ से किसी को भी दाखिल होने की इजाजत नहीं है, एहतसाब अदालत की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते बंद है, सिक्योरिटी हाई अलर्ट, पुलिस की एक बड़ी तादाद वहां पर मौजूद, और ऐसे में साबिक डेप्यूटी मेयर मियां तारिक को एंटी राइट फोर्स ने तशद्दुद का निशाना बनाया है। धक्कमपेल की वीडियो आप देख सकते हैं, एंटी राइट फोर्स के अहलकारों की तरफ से किस कदर धक्के दिए जा रहे हैं, उनकी वेस्टकोट फाड़ी गई और फिर उन्हें धक्के दिए गए, वहां से निकलने के लिए कहा गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया है साबिक डेप्यूटी मेयर मियां तारिक को एंटी राइट फोर्स के अहलकारों की जानिब से। आज एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत, और उसमें मरियम नवाज और यूसुफ अब्बास को आज अदालत में पेश किया गया है। दूसरी जानिब
आपको बताते चलें कि पैरागॉन स्कैंडल केस की समाअत भी है, ख्वाजा बरादरान को भी एहतसाब अदालत में पेश किया गया है। ऐसे में कारकुनान अपने लीडरान से इजहार यकजहती के लिए पहुंचे, लेकिन कंटेनर्स और एंड्रॉयड फोर्स के अहलकारों ने रास्ते बंद किए हुए हैं। अभी आप मनाजर देख सकते हैं, साबिक डेप्यूटी मेयर मियां तारिक को एंड्रॉयड फोर्स ने तशद्दुद का निशाना बनाया है। बुरी तरीके से धक्के मारे गए। साबिक डिप्टी मेयर मियां तारिक को एंटीराइड फोर्स के अहलकार ने तशद्दुद का निशाना बनाया। अदालत के बाहर लीगी कारकुनों की जानिब से जो है वो प्रोटेस्ट भी किया जा रहा है, पुलिस के साथ झड़पें हो रही हैं और ये मनाजर आप देख सकते हैं। साबिक डिप्टी मेयर मियां तारिक को एंटीराइड फोर्स ने तशद्दुद का निशाना बनाया है। मनाजर आप देख सकते हैं, ना उम्र का लिहाज ना साबिक ओहदे का लिहाज, किस कदर बुरे तरीके से धक्के मारे गए साबिक डिप्टी मेयर मियां तारिक। साबिक डिप्टी मेयर लाहौर मियां तारिक को एंटीराइड फोर्स ने तशद्दुद का निशाना बनाया, धक्के मारे गए और एहतसाब अदालत में दाखिले से रोक दिया गया। एहतसाब अदालत में लीगी रहनुमाओं की पेशियों का मामला, आज मनी लॉन्ड्रिंग केस के साथ साथ पैरागॉन स्कैंडल केस की समाअत भी है। ख्वाजा बरादरान को नैब ने अदालत पहुंचा दिया, जबकि मरीम नवाज और यूसुफ अब्बास भी अदालत नैब की जानिब से पहुंचा दिए गए हैं। यावर हमारे साथ मौजूद हैं। यावर, एक बड़ी तादाद हमेशा ही इस तरह पेशियों पर कारकुनान की मौजूद रहती है अपने लीडरान से इजहार यकजहती के लिए, लेकिन पुलिस की जानिब से रोका जाता है। अभी हम मनाजर देख रहे हैं, साबिक डिप्टी मेयर मियां तारिक को तशद्दुद का निशाना बनाया है, क्या मनाजर देख रहे हैं इस वक्त आप वहाँ पर? जी बिल्कुल, आज जो है एहतसाब अदालत में पाकिस्तान मुस्लिम नवाज की आला क्यादत की जो है वो पेशियां है। हम यहाँ पर एक कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद जो है वो अपने कायदीन से जारी यकजहती के लिए जो है एहतसाब अदालत पहुंचती है और खसूसी तौर पर जो है वो उनसे मुलाकात करने की भी कोशिश करती है। हम अभी तक अदालत में जो नैब की जानिब से मरियम नवाज को, यूसुफ अब्बास शरीफ और ख्वाजा बरादरान को अदालत में पेश कर दिया। इस सिलसिले में जो है साबिक डिप्टी मेयर मियां तारिक जो है एहतसाब अदालत के अंदर जाने के लिए कामयाब हो गए। हम जैसे ही उन्होंने मरियम नवाज जब गाड़ी से उतरी उनसे मिलने की कोशिश की थी, जिस पर जो वो अच्छा यावर, ये जो अभी हम मनाजर देख रहे हैं कि किस कदर बुरे तरीके से इन्हें धक्के मारे गए हैं और बाहर निकलने के लिए कहा गया है, एहतसाब अदालत में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा, जिस पर काफ़ी गुस्सा हो गए साबिक डिप्टी मेयर मियां तारिक भी। जाहिर है, ना उम्र का लिहाज किया ना साबिक ओहदे का लिहाज किया, तो ये मनाजर जो हैं वो ऑब्वियसली फिर आम कारकुनों के साथ क्या सलूक हो रहा होगा? बिल्कुल, यहाँ पर जो है साबिक डिप्टी मेयर को कमरा अदालत के अंदर जाने से रोक दिया गया। पुलिस की जानिब से ये मौके सामने आया है कि ऊपर से जो लिस्ट है उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है रुकन सूबाई असेंबली और रुकन कौमी असेंबली को जो है वो कमरा अदालत के अंदर जाने की इजाजत दी जाएगी। उसके अलावा किसी भी साबिक रुकन को जो है वो कमरा अदालत के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, जिस पर जो है वो साबिक डिप्टी मेयर जो है वो मियां तारिक ने जो इकरार किया था उनके साथ पुलिस के साथ बहस और तकरार के बाद जो है धक्कम पेल हुई, जिस पर पुलिस की जानिब से उनको जो है वो तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया था। हम जितने भी लीगी कारकुनान हैं उनको जो है वो कंटेनर के दूसरी तरफ ही पुलिस और इंतजामिया की जानिब से जो वो रोक लिया गया है। किसी भी लीगी कारकुन को जो है वो कत्तन जो है कंटेनर की इस तरफ आने की इजाजत नहीं दी जा रही, जबकि सिर्फ और सिर्फ जो रुकन सूबाई असेंबली या कौमी असेंबली उनको सिर्फ अंदर आने की इजाजत दी जा रही है। मियां तारिक जो है वो सुबह सुबह ही जो है वो साब अदालत के अंदर मरकजी गेट के अंदर दाखिल होने में कामयाब हो गए थे। हम जैसे ही मरियम नवाज जो है वो गाड़ी से नीचे उतरी उन्होंने उनसे मिलने की कोशिश की, जिस पर पुलिस एंटीराइड फोर्स के जवान और मियां तारिक के दरमियान जो बहस तकरार हुई, जिस पर जो है वो पुलिस की जानब से उनको तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया, उनको नीचे भी गिराया गया, जबकि उन पर जो है वो
तशद्दुद किया गया, जिसमें मियां तारिक ने जो वो सख्त इजहार भरमी भी किया। उन्होंने ये कहा था कि वो सिर्फ पुरअमन तरीके से अपने कायदीन से जो है वो मिलना चाहते हैं, जिस पर जो है यहाँ पर उनको जो है वो कमरा अदालत से बहुत दूर जो है वो कर दिया गया। पुलिस की जानिब से जो यहाँ पर अब इंतहाई सख्त इंतजाम कर दिए, किसी भी रहनमा या लीग कारकुन को अंदर जाने की जो कतन इजाजत जो है वो नहीं दी जा रही। जी अच्छा, कारकुनों की कितनी बड़ी तादाद मौजूद है इस वक्त एहतसाब अदालत के बाहर, क्योंकि दो अहम केसेस हैं, एक तो पैरागॉन स्कैंडल केस है और दूसरे केस मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज मरियम नवाज को पेश किया गया है। बिल्कुल, यहाँ पर कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर इस वक्त जो है वो कंटेनर के उस तरफ भी मौजूद है, कमरा जो मरकजी गेट है एहतसाब अदालत का वहाँ पे भी पहुंचने में कामयाब होगी, जिस पर जो है वो बार बार मुतद बार जो पुलिस की जानिब से जो है वो कारकुनान को मरकजी गेट से जो है वो हटाया जा रहा है, उनको मेन मुल्तान रोड पर जो है वो डाइवर्ट किया जा रहा था। उसके बावजूद जो कारकुनान जो है वो अपने सारी यकजहती के लिए जो दोबारा जो मरकजी गेट पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर पुलिस के दरमियान जो है पुलिस और कारकुनान के दरमियान में बहस तकरार का जो सिलसिला है वो भी जारी है। पुलिस की जानिब किसी को भी जो मरकजी गेट से अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, क्योंकि मरकजी गेट को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है, बैरियर लगा दिए गए हैं और पुलिस एंटी राइड फोर्स की एक बहुत बड़ी तादाद जो उसको भी मरकजी गेट पर खड़ा कर दिया गया है। कमरा अदालत में जो ख्वाजा बरादरान की समाज जो शुरू हो चुकी है, जबकि मरियम नवाज की जो समाज है वो भी अब से कुछ देर के बाद जो वो शुरू हो जाएगी। कायदीन के साथ रहनमा और लीगी कारकुनान की लीगी रहनमाओं की रुकन कौमी असेंबली सूबाई असेंबली समेत जो है वो आजाद कश्मीर के जो वजीर इत्तला था वो भी इस वक्त कमरा अदालत के अंदर मौजूद है। यहाँ पर जो है वो इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं, किसी भी वर्कर को या लीगी कारकुन को कतन अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। तहम जो मियां तारिक साबिक डिप्टी मेयर, उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की, जिस पर जो है पुलिस ने एंटी रेड फोर्स के जवानों ने उन्हें रोका और बहस तकरार का सिलसिला जारी है और एंटी रेड फोर्स के जवानों की जानिब से उन पर तशद्दुद किया गया, उनको अंदर जाने से रोका गया, जिस पर मियां तारिक ने सख्त इजहार भरमे भी की और उन्होंने कानूनी चाराजोई करने के जो है उनका ऐलान किया गया। वो इसके हवाले से जो वो एक एहतसाब अदालत के जज हैं उनको एक दरख्वास्त भी देंगे कि उनको तशद्दुद का निशाना जो है वो बनाया गया। इस वक्त जो है आपको इस सूरत हाल के बाद किसी भी लीगी कारकुन को जो है वो मरकजी गेट से अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। जितने भी कारकुनान जो मरकजी गेट पे एहतसाब अदालत के बाहर मौजूद है, पुलिस की जानिब से उन कारकुनान को जो वो हटाया जा रहा है, उनको जो मेन मुल्तान रोड पर जो के आमिर होटल से मलिका रोड है उस पर जो उनको डाइवर्ट किया जा रहा है। जी ठीक है, ठीक है जावर, बहुत शुक्रिया आपका। और अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और अगली खबर की तरफ चलेंगे। आज की हमारी तीसरी टॉप स्टोरी, टैक्स वसूली। इंटरसिटी रूट्स पर अब 11 नए टोल प्लाजा बनाने का फैसला कर लिया गया है, जिसमें कसूर से ओकाड़ा जाने वाले शहरी अब 3 मकामात पर टोल टैक्स अदा करेंगे। गुजरांवाला से सियालकोट बाईपास पर भी टैक्स देना पड़ेगा, फिर ब्रिज अटारी के मकाम पर लाहौर, जड़ांवाला, फैसलाबाद और इस तमाम रोड को इस्तेमाल करने वालों से भी टैक्स लिया जाएगा, बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो सफ़र से इज्तनाब करें और चुप करके अपने घरों में बैठे, मेरे ख्याल से अब यही एक आखिरी सलूशन जो है वो रह गया। इरफान क्या कहेंगे? सीमल, मैं आपको एक रात की इंटरेस्टिंग जो है वो स्टोरी बताता हूँ। रात को मैं एक ट्रांसपोर्टर के पास बैठा हुआ था, तो वो बेचारा जो है उसके रोने जो थे, करोड़ों रुपये की इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसके रोने थे, और रोने वो ये थे कि हम अगर 1 करोड़ रुपये से ज़ायद मालियत की एक बस जो है उसको रोड के ऊपर लेके आते हैं, तो वो हमें 1 करोड़ रुपये से ज़ायद जो मालियत की हमने बस जो रोड पे डाली है उससे हमें सिर्फ 4 से 5 हज़ार रुपया जो है वो उससे पूरे दिन के अंदर बचत आ रही है। जो बचत उनकी पहले थी 15 से 20 या 50 हज़ार के करीब थी, वो अब देखें किस हद तक जो है वो चली गई कि अब वो 5 से 6 हज़ार रुपया, करोड़ों रुपये के इन्वेस्टमेंट करने के बाद उनके ये हालात हैं। तो यहाँ पे सूरत हाल हर तरफ आपको हर बंदा जो है वो रोता हुआ दिखाई देता है। जहाँ पे आप ट्रांसपोर्टर से बात करेंगे तो वो आपको कहेगा कि डीजल के रेट बढ़ गए, जो टोल टैक्स आपने बढ़ा दिए, अब यहाँ पे आप 11 नए टोल टैक्स जो हैं वो प्लाजे तामीर करने का फैसला कर रहे हैं, जहाँ से आप लोगों की जेबों से और पैसे निकालेंगे। उसके बाद देखें, ये लोगों से आप टैक्स लें, ठीक है, अच्छी चीज़ है, आप गवर्नमेंट को
हर शहरी को जो है वो टैक्स नेट के अंदर लाना चाहिए, लेकिन उसके बाद उसको फैसिलिटी भी देनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ उसको जो है कंपलसेट भी आपको करना आप लोगों का काम है जो टैक्स ले रहे हैं। ये नहीं कि आप सिर्फ हर तरफ से दबोचते रहें, लोगों से पैसे लेते रहें। अब ये जो नए टैक्स जो हैं वो आप 11 नए टोल प्लाजे अब बना रहे हैं, जो पहले टोल प्लाजा थे वहाँ पर आपने उनके रेट्स जो हैं वो आपने ऑलमोस्ट डबल कर दिए। वो जब पैसे बढ़ेंगे तो वो उसका सारा जो का सारा जो है वो किस पे आएगा, वो सारे का सारा आएगा वो उस गरीब आदमी पे जो बस की सब या वैन किरायों को रिवाइज भी नहीं किया जा रहा है, इजाफा भी नहीं किया जाता, और अगर इजाफा किया जाता है तो फिर गरीब आवाम जो है वो पिस जाती है। फिर अगर मैं ये कहूँ कि मंसूबे किसी और के बनाए किसी और ने, टैक्स कोई और वसूल कर रहा है, उसके खर्चे जो है वो कोई और हुकूमत कर रही है। खैर एनीवेज अली रामे की ये न्यूज़ है, तो अली रामे हमारे साथ लाइन पर मौजूद भी है। अली रामे, ये क्या हो रहा है? इंटर बस सिटी पर, इंटर सिटी रूट्स पर 11 नए टोल प्लाजे लगा दिए गए हैं, तो फिर अभी मैं इरफान को ये कह रही थी कि सफर से इस्तनाब करें और चुप करके हम घर बैठ जाएं। देखिए ऐसा ही है, ये महकमा मौसलात ने जितने भी सड़कें पंजाब में तमील की हैं उस पर ये टैक्स वसूल कर रहे हैं। तो इससे पहले भी मुख्तलिफ जो कौमी शाहरा बनाई गई थी CNW डिपार्टमेंट की तरफ से, तो वहां पर चुंगियां बना के टैक्स आवाम से लिया जा रहा था। तो अब ये शहर पंजाब के 11 नए मुकामात का चुनाव किया गया है इनकी तरफ से, CNW डिपार्टमेंट की तरफ से, जो महकमा खजाना पंजाब ने इनको अहकाम दिए थे कि एक मजीद अपना जो टैक्स रेवेन्यू है वो आप बढ़ाएं। तो उसी की बुनियाद पर ही महकमा मौसलात ने 11 मुकामात की निशानदेही के बाद हुकूमत पंजाब को ये प्रपोजल दी। तो पंजाब हुकूमत ने इसकी बाकायदा अब मंजूरी भी दे दी है, और ये जो पंजाब के अहम मेन सड़कें हैं शहरा जो बनाई गई थी CNW की तरफ से, वहां पर अब टूल प्लाजा बना के बकाए तौर पर ये टैक्स वसूल किया जाएगा। और ये बात हकीकत है, जहां शहरियों से टैक्स वसूल किया जाएगा जो अपनी गाड़ी पर सफर कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनसे भी इसी तरह का टैक्स वसूल किया जाएगा। तो फिर इसका मतलब ये एक्सपेक्टेड है कि अब ट्रांसपोर्ट के जो किराए हैं उनमें इजाफा हो जाएगा। जी बिल्कुल, डेफिनेटली जब आप किसी भी चुंगी या टूल प्लाजा पे टैक्स पे करते हैं तो उसका इफेक्ट तो आम पब्लिक पे ऊपर बिल्कुल आता है, तो उनके किराए में भी इजाफा होगा। अभी ये जो टूल प्लाजा जिनकी मंजूरी दी है हुकूमत पंजाब ने, इसमें अब मजीद जराए ने ये बताया कि अब इसमें मजीद अब जो रकम है वो भी बढ़ाई जा रही है। जैसे मोटरवे पर अब टूल टैक्स में इजाफा किया गया, तो वैसे इनकी जो रकम है वो भी बढ़ा दी जाएगी। इससे पहले तो 20 से 30 रुपए मुख्तलिफ चौकियों पर आवाम से शहरियों से वसूल किए जा रहे हैं, तो अब इसमें 40 रुपए तक, 20 से 40 रुपए तक की तजवीज वो अब जेरे गौर है, और इसके लिए समरी भी तैयार करके वाने वजीर आला को भेजी जाएगी, जिस पर वजीर आला पंजाब हतमी मंजूरी देंगे। अब ये इरफान, अभी आप मेरे से एक सवाल पूछ रहे थे, अली रामे से जरा पूछिए ना। कौन सा वो जो आप कह रहे थे कि फिर हुकूमत फैसिलिटेट क्यों नहीं करती है? हाँ बिल्कुल रामे, ये बताइएगा की देखे कि अब जो गवर्नमेंट जो है ये नए टोल प्लाजे जो है वो बना रही है, उसके बाद क्या गवर्नमेंट का ये भी कोई प्लान है कि हमने जो किरायों के अंदर जो है वो इजाफा करना है? क्योंकि ट्रांसपोर्टर हजरात जो हैं वो बहुत परेशान है, एक तो रेट्स बढ़ गए, दूसरा उसके साथ साथ टोल प्लाजे आपके बढ़ रहे हैं, तो उसके बाद क्या गवर्नमेंट की ये भी फोकस है कि हम लोग जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हुकूमत यही कहती हुई नजर आती है कि लोग जो है इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, चलें जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप उनको भी फैसिलिटेट करने के लिए गवर्नमेंट ने कोई प्लान रखा है अपने पास? देखिए जब बजट 2019-20 आया था मलिक साहब, तब हुकूमत पंजाब ने 5% मजीद इजाफा किया था ट्रांसपोर्ट के ऊपर, जो आम पब्लिक ट्रांसपोर्ट जाती है, तो उसमें जब ये टैक्स लगाया तो उस पर भी ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमत पंजाब को बाकायदा ये धमकी भी दी, उनके खिलाफ एहतजाज भी किया कि वो अपने किराए मजीद बढ़ा देंगे, तो उनकी तरफ से किराया बढ़ाया भी गया, लेकिन फिर हुकूमत पंजाब ने इन ट्रांसपोर्टर्स के साथ मीटिंग की कि वो आपको स्पेशल फैसिलिटीज देंगे, तो उस पर आपका टैक्स मजीद कम करेगा, लेकिन वो टैक्स अभी तक कम नहीं हुआ। वो 5% महकमा खजाना पंजाब ने उनके ऊपर मजीद टैक्स वो आयद किया, जिसका जो आप कह सकते हैं रद्दअमल वो किरायों की नजर में आया। तो उसी तरह अब ये जो रोड है, अगर तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के रोड बने होते हैं तो फिर तो ये बहुत ज्यादा टैक्स वसूल किया जाता है इनसे आम शहरियों से, क्योंकि वो जो भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत आके अपना काम करता है तो उसने एक अपने माहदे के मुताबिक टैक्स वसूल करना है। तो ये जो आम सड़कें हैं इन पे अब क्योंकि महकमा मौसलात ने काम किया हुआ है, उन्होंने ये सड़कें बनाई हुई हैं,
तो ये सड़कें इनसे पैसे लेकर वो इन्हीं इन सड़कों पर ही खर्च करेंगे आवाम से लेकर। ये एक अलग कहानी है अली रामे, वो इन सड़कों पर खर्च किया जाता है या नहीं किया जाता ये वो सड़कों की भी आप सूरत हाल देख लें। अगर आप लाहौर से जीटी रोड के ऊपर सफर करें तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि उन रोड के ऊपर कितना पैसा नहीं, तो अभी तो इजाफा किया है ना, उसके बाद देखते हैं ये खर्च करते हैं या नहीं। बहुत शुक्रिया अली रामे, आप हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अगली खबर की तरफ चलेंगे जी। 8 माह में 7 अमवाज, मावराए अदालत हलाकतों का 10 साल रिकॉर्ड जो है वो टूट गया। इरफान मलिक, आप ही की ये खबर, किसकी नालायकी है? सिमल देखे, बहुत सिंपल सा सवाल है, मुझे सिर्फ पहले इसका जवाब दीजिए, ये नालायकी किसकी है? सिमल देखे, आपके जो अखबार के ऊपर एक तस्वीर भी लगी है, वज़ीर आला पंजाब का बयान भी लगा है कि तशद्दुद के जिम्मेदार पुलिस अहलकार, आप कहना चाह रही हैं इनकी नालायकी है? ये इनकी जिम्मेदारी भी है क्योंकि सूबे के हुक्मरान ये हैं, क्योंकि उसके साथ साथ आप देखें जब सिफारशी लोग आप जो हैं सीटों के जो ऊपर लगाएंगे, जब सिफारिश के ऊपर आप उन लोगों को वहाँ पर तैनात करेंगे तो इस तरह की सूरत हाल तो पैदा होगी। जब सिफारशी CCPO लाहौर या सिफारशी IG जो है उनकी कमांड जो है वो कमज़ोर होगी तो इस तरह की सूरत हाल तो पैदा होगी। यही लोगों तो को शहबाज शरीफ के दौर में भी थे, यही IG थे, लेकिन उस वक्त इनका टेनोर कम था, उस वक्त इनके के ऊपर इनके वही मैंने आपसे जब कहा ना कि जो वज़ीर आला पंजाब का कसूर है, वज़ीर आला पंजाब ने अगर अपनी कमांड जो है वो उसके ऊपर टाइटन रखी हो तो इस तरह की सूरत हाल पैदा ना हो। हर वाक़े के ऊपर, हर हादसे के ऊपर, जब सानिया साहिवाल देख लें आप, उसके ऊपर भी वज़ीर आला पंजाब वज़ीर आज़म के बयान आए कि हम उन लोगों के खिलाफ उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे, इंसाफ होगा। आज तक वो लोग इंसाफ के लिए धक्के खा रहे हैं, लेकिन वो जो सुन रहे हैं हम सोशल मीडिया पर चल रहा है कि उनको तो पैसे देकर चुप करा दिया गया है, और पैसे, वो मुलाजमीन वापस अपनी ड्यूटीज पर बहाल हो गए। मैं वही बात कर रहा हूँ, पैसे देना इंसाफ नहीं है। आपने जिन लोगों ने उनको कत्ल किया, उनके माँ बाप को, उन बच्चों के सामने उन माँ बाप को मारा, आपने उनके साथ क्या किया? उनके लिए गवर्नमेंट जो है वो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो कह रहा था कि हम दहशत गर्दों से लड़ते हैं, उसने जिन लोगों ने मारा उनके तमाम के तमाम अफसरान जो हैं वो पुरकशिश सीटों के ऊपर बैठे हुए हैं, लाखों में तनख्वाह ले रहे हैं, अरबों रुपये में उनका बजट है, कोई उनको पूछने वाला नहीं। उसके बाद यही IG साहब देखें, जब लाहौर के अंदर वाकयात होते हैं, ये जो एक चंद रोज कबल जो ATM चोर जो था जिसको मार दिया गया, उसके ऊपर भी यही बयान दिए गए, यही कहा गया और उस पर ये कहा जाता है कि हम IG से सवाल करते हैं कि वहाँ के DPO को मौतल या बर्खास्त क्यों किया गया, पकड़ा क्यों नहीं गया, और ये गवर्नमेंट के तर्जुमान ही, मैं कल देख रही थी शहबाज गिल साहब की ट्वीट थी जिसमें उन्होंने IG से ही सवाल कर दिया, कोई इनको बताए, खुदा का खौफ करें, आप खुद गवर्नमेंट में हैं, गवर्नमेंट वाले सवाल नहीं पूछा करते, इकदामात किया करते हैं जो नजर नहीं आ रहे। सिमल वही बात है ना कि जब आपकी कमांड कमजोर होगी, आपको पता नहीं होगा, आप नालायक होंगे तो इस तरह की सूरत हाल पैदा होगी। जब वज़ीर आला पंजाब ने जो IG लगाए हैं, जब उनकी कमांड नहीं होगी, वो सिर्फ वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के अहकाम के ऊपर काम कर रहे होंगे, उनके कहने पे लोगों को तैनात कर रहे होंगे, उनके कहने पे लोगों के मामला हल कर रहे होंगे, तो इस तरह की सूरत हाल पैदा होगी। CCPO लाहौर जो आपने सिर्फ कमरे में रखने के लिए उनको लगा दिया, उनको वहाँ पे मुझे वो खबर भी याद है, साइलिन को रसाई नहीं दी जा रही है, रसाई नहीं दी जा रही है, वो मिलना गवारा नहीं, मिलना गवारा नहीं करते। तो जब इस तरह की सूरत हाल होगी तो ये हालात पैदा होंगे। हर वाक्य के बाद आपको इस तरह के बयान नजर आएंगे कि तशद्दुद के जिम्मेदार पुलिस अहलकारों के खिलाफ। ये देखिए ना, अब IG ये कहेंगे, जो आमिर मसीह की हलाकत का ये जो मामला है जिस पर IG ने 7 अहलकारों पर मुकदमा दर्ज कर दिया, उनको मौतल कर दिया, गिरफ्तार किया जाना चाहिए, अभी तक गिरफ्तार नहीं। ये मौतली का ड्रामा जो है वो हम बड़े सालों से सुनते आ रहे हैं। फिर वज़ीर आला पंजाब जिनका बार बार आप जिक्र कर रहे हैं, उनका कल एक बयान आता है, तशद्दुद के जिम्मेदार पुलिस अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कब की जाएगी, कब नजर आएगा कि एक्चुअली कानून का बोलबाला है? और फिर जब ट्विटर पर ऐसे ट्रेंड्स चलाए जाते हैं, कल एक टॉप ट्रेंड चल रहा था ट्विटर पे, बुज़दार हटाओ पंजाब बचाओ। अब आप देखिए ये आम लोगों की तरफ से ट्वीट किया गया और किस तरह वो ट्रेंड बन गया, तो लोग तंग आ चुके हैं। इवन PTI के बहुत से सपोर्टर्स जो हैं वो ये कह रहे थे कि बीइंग पार्ट ऑफ PTI हम किसी नासूर को हाईलाइट कर सकते हैं, किसी गलत फैसले को हाईलाइट कर सकते हैं। तो फिर आई थिंक अब ये डिमांड ऑफ द आवर बनती जा रही है, इसका मतलब वाकई में उनकी परफॉर्मेंस जो है वो उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल सिमल, इनकी जो परफॉर्मेंस के ऊपर क्वेश्चन मार्क ही है कि उसमें आप देखें कि 8 माह के दौरान 7 लोग सिर्फ लाहौर के अंदर,
ये सिर्फ लाहौर का डाटा है कि 7 लोग लाहौर के अंदर मार दिए गए पुलिस के हाथों, इनको मावराए अदालत कत्ल कर दिया गया। यही वो गवर्नमेंट थी जब रोने रोती थी कि शहबाज शरीफ के दौर में जाली पुलिस मुकाबले होते हैं, शहबाज शरीफ के दौर में इस तरह होता है, पुलिस को इस तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी वही सूरत हाल है। वो अगर चोर डाकू उनको कहा जाता था तो ये जो ये 7 हमने यहाँ पे ला के बिठा लिए हैं, तो ये 7 जो है ये तो कुछ करें। ये उसमें 10 साल का रिकॉर्ड जो है पुलिस के अंदर, 10 साल में इस तरह टॉर्चर से लाहौर में कभी लोगों ने और इसी चीज को, इसी इंसाफ को, इसी तरह के वाकयात को कोट करते हुए लोगों ने ये ट्रेंड चलाया है हैशटैग आखिर कब तक, हैशटैग बुज़दार हटाओ पंजाब बचा। और फिर कल मैं इन्हीं ट्वीट्स में से एक ट्वीट पढ़ रही थी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान को टैग करके किसी ने कहा कि इट्स टाइम टू टेक अ यू टर्न ऑन पंजाब्स दिस पोस्ट, जिसमें आपको अब कुछ बेहतर और अच्छा डिसीजन लेना होगा। मतलब आपकी अपने पार्टी के लोग कहते हैं कि वजीर आला बनने से पहले वो बुज़दार साहब को जानते तक नहीं थे, वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने यह बात बोली कि पीटीआई में वो थे या नहीं थे, या वजीर आला बनने से पहले मैं उन्हें जानता नहीं था। तो फिर किसकी सिफारिश पर इनको लगाया, किस बेसिस पर लगाया, क्या उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ठीक है? सीमल, इनकी ये नजर नहीं आ रहा गवर्नमेंट को? इनकी अगर सिफारिश का जिक्र करेंगे तो शायद और कोई पाबंदियां लग जाएं, तो इस सिफारिश को आप छोड़ दें। आप ये देखें, सिफारिश के ऊपर चलें, आपने लगा लिया, मेरिट पे काम तो करें। हमारे एक दोस्त हैं, वो कहते हैं सिफारिश पे आ तो जाते हैं लेकिन मेरिट पे हटाए जाते हैं। यहाँ खबरें ऐसी भी आती हैं कि वजीर आला को तो फाइलें तक पढ़नी नहीं आती, तो वो अभी सीख रहे हैं कि फाइलें किस तरह से पढ़नी है और कौन सा कंटेंट देखना है। कि इनको सिफारिश पे चले आप ले आए हैं, लेकिन इनसे मेरिट से काम तो ले लें, इनसे जो इनका काम है वो तो इनको करना चाहिए, जो कि हमें होता हुआ बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। और इसका तमाम का तमाम खमियाजा जो है वो आम आवाम को भुगतना पड़ रहा है, उनको सफर करना पड़ रहा है। ये छोटी सी नालायकी जो है, इसको छोटी सी नालायकी कहें सीमल, कि आपने सिफारिश के ऊपर एक बंदे को लगा दिया तो उसके बाद जो है किसकी सिफारिश, किस बेस पर लगाया? इतने बड़े सूबे का इख्तियार आपने एक ऐसे शख्स को दे दिया जिसकी तरफ से सिर्फ बयानात आते हैं लेकिन अमली इकदामात जो है वो नजर नहीं आते। वेल थैंक यू सो मच इरफान, आप हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ एक ब्रेक, ब्रेक के बाद हेडलाइंस जानिएगा, उसके बाद प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक अहम खबर देंगे और आपको बताएंगे मिसबाह उल हक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच मुकर्रर कर दिए गए हैं। मिसबाह उल हक चीफ सेलेक्टर की जिम्मेदारियां निभाएंगे। वकार यूनुस को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बॉलिंग कोच मुकर्रर कर दिया गया है। पीसीबी कोचेस के नामों का बाज़ाब्ता ऐलान आज करेगा। अहम खबर आपको दे रहे हैं, मिसबाह उल हक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच मुकर्रर कर दिए गए हैं और चीफ सेलेक्टर की तमाम तर जिम्मेदारियां साबिक कप्तान मिसबाह उल हक निभाएंगे। गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे और बाकायदा आगाज़ करेंगे इस सेगमेंट का, जिसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टीचिंग हस्पतालों की निजकारी के हवाले से। कल भी जैसे हम मुसलसल बात कर रहे थे कि तमाम हस्पतालों को प्राइवेटाइज कर दिया गया है, रात गए एक ऑर्डिनेंस जारी हुआ जिसमें डॉक्टर्स पैरामेडिक्स नर्सेस के सरकारी मुलाजमत का जो दर्जा है उसको ख़त्म कर दिया गया है, और इसके साथ साथ मरीजों के मुफ्त इलाज की जो सहूलत है वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की सवाबदीद पर छोड़ दिया गया है। तो ऐसा कब होता है कि हेल्थ को प्राइवेटाइज कर दिया जाए और फिर इसको एक प्रॉफिटेबल इदारा बनाने की कोशिश की जाए, जिसमें गरीब का अगर इस्तेहसाल हो रहा है तो कोई परवाह नहीं है, जिसमें अगर वो डॉक्टर्स जो 30-30 घंटे अपने शिफ्ट कर रहे हैं और अगर उन्हें जॉब सिक्योरिटी ही नहीं है तो फिर उनकी परफॉर्मेंस क्या रहेगी? किस तरीके से आप एक ऐसे इदारे को जो गरीबों के लिए साल हर साल से काम कर रहा है और जो वादा किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से कि इसको एक ज़बरदस्त इदारा और बेहतर इदारा बनाइटाइज करने जा रहे हैं और फिर एहतजाज पर पाबंदी लगा दी गई है। ऐसे में एक ऐसी एसोसिएशन जो हमेशा से अपने हक के लिए भी और गरीब आवाम के लिए भी खड़ी रही है, YDA का अगर मैं जिक्र करूं तो उन्होंने कल एक बड़ी ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने एहतजाज का ऐलान कर दिया है, हस्पतालों की निजकारी नामंजूर करार दे दी है। YDA के प्रेजिडेंट इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कासिम ऐवान, जिन्हें मैं खुश आमदीद कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, बहुत शुक्रिया। अच्छा, पूरी कहानी तो मैंने सुना दी जी। और मुसलसल कल से ये हाईलाइट भी की जा रही है, ना सिर्फ Y2 पर बल्कि दीगर मीडिया हाउसेज में भी इस चीज़ के ऊपर जो है वो बात की जा रही है। क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका इसको लेकर, क्या टेक है आपका? सबसे पहले तो मैं एक बात करूँगा कि ऑर्डिनेंस वैसे ही एक गैर जमहूरी और गैर आइनी एक एक्ट है। बेसिकली MTI मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशन
रिफॉर्म्स के नाम के ऊपर गवर्नमेंट ने हमसे वादा किया कि हम हेल्थ अस्पतालों का, हेल्थ सिस्टम का जो तरीकाकार है, इसके अंदर जो पॉलिसीज़ हैं उनको हम एड्रेस करेंगे, और इसी बेस के ऊपर गवर्नमेंट ने इस आवाम से, बल्कि हमसे भी, डॉक्टर्स ने भी इसी बेस के ऊपर हुकूमत को वोट किया। लेकिन अभी तो मैंने अफसोस से कहना पड़ रहा है, लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हम बिल्कुल मायूस हुए हैं हुकूमत की कारकर्दगी से, हेल्थ डिपार्टमेंट पंजाब की कारकर्दगी से, हेल्थ मिनिस्टर साहबा डॉक्टर यास्मीन राशिद की कारकर्दगी से। चलिए, अगर मैं कंपैरिजन करना चाहूँ तो पिछले 10 साल जो दौर में हुकूमत रही पंजाब में, और अब जो एक साल हुकूमत है, पहले ज़्यादा मायूस थे आप, क्योंकि एहतजाज तो आप लोग तब भी करते थे, तब भी सड़कों पर आते थे, मुझे वो तमाम भूख हड़ताली कैंप भी याद हैं, क्या अब इस एक साल कारकर्दगी में ज़्यादा मायूस हुए हैं? कोई फ़र्क नहीं है दोनों में, कोई फ़र्क नहीं है दोनों में, किसी एक को चूज़ करना हो तो क्या करेंगे? वैसे का वैसे ही चल रहा है सिस्टम, वैसे का वैसे ही चल रहा है। नई तख्तियाँ लगाई गई हैं, पुरानी तख्तियाँ उतार के उसी जगह, नए इफ्तिताह, नए रिबन काटे गए हैं, पुराने रिबन छोड़ के। हेल्थ डिपार्टमेंट को देखें, पेशेंट के जो इश्यूज हैं वो एड्रेस नहीं हो रहे हैं उस तरीके से जिस तरह से इस हुकूमत ने हमसे वादा किया है। अब बिल, क्या ज़रूरत पड़ी थी कि पंजाब असम्बली के फ्लोर पर जिस बिल ने जाना था, जो स्टैंडिंग कमेटी, हेल्थ डिपार्टमेंट की स्टैंडिंग कमेटी है पंजाब असम्बली की, उसके पास ये बिल जाना था, रातों रात वहाँ से बिल मंगा के और उसके ऊपर साइन कर दिए जाते हैं गवर्नर साहब की तरफ से। तो हम तो समझते हैं कि ये ना सिर्फ मरीज़ों के बल्कि डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और नर्सिस, इन सब के जो हकूक़ हैं उन पे शब खून मारा गया है। ऑर्डीनेंस तब पास किए जाते हैं जब 300 अरब रुपए के कर्ज़े माफ़ करने हों, या जिस तरह से कश्मीर के अंदर ऑर्डीनेंस पास किया गया, क्योंकि जो हकूमत के जो नुमाइंदे हैं, जो एक आवाम का मैंडेट लेके असम्बली के फ्लोर पर मौजूद हैं, उनसे जब आप बाईपास करेंगे चीज़ों को, डेफिनेटली उसके अंदर खराबियाँ हैं, उसके अंदर आवाम दुश्मन। मैं तो कल भी ये बात कह रही थी, दौरा लाहौर के बाद वज़ीर आज़म साहब ये पंजाब को तोहफ़ा देकर गए हैं, आपको याद होगा जिस रात ये ऑर्डीनेंस आया है उससे एक रोज़ कबल वज़ीर आज़म लाहौर में मौजूद थे, और डॉक्टर यास्मीन राशिद ने खुद उन्हें हेल्थ के ऊपर पूरी ब्रीफिंग दी है। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें उसी मीटिंग में तय कर ली गई थी और उसके बाद ये ऑर्डीनेंस निकाला गया। जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ। तो फिर अब आप पछता रहे हैं सपोर्ट करने के लिए? फिलहाल तक तो हम पछता रहे हैं, ये और जो उसका हम पिछले 4 महीने से इस मीडिया के थ्रू, डिफरेंट प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू हम अपना पैगाम भी देते आ रहे हैं। हमारी एक कंटिन्यूस 4 मंथ की स्ट्रगल है इसके रिफॉर्म्स के ऊपर, हमने प्रॉपर इसके ऊपर वर्कअप किया है। मेरे पास आज भी डॉक्यूमेंट मौजूद है, मैं कोई भी बात यहाँ पे कोई ऑथेंटिक बात ही करूँगा मैं यहाँ पर बैठ के, कोई झूठ जिस तरह से मैडम यास्मीन राशिद साहब दावा करती हैं, कल के प्रोग्राम आप देख लें अगर समा के ऊपर, जिस तरह से वो प्रोग्राम छोड़ के गई हैं, ये साबित कर रहा है उनका कि वो बड़े लकी हैं जी, समा वाले वो उनके प्रोग्राम में आ तो गई, हम तो एक एक हफ्ते से उनको लाइनअप करने की कोशिश करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, वो फ़ोन नहीं उठाती, बॉदर ही नहीं करती जवाब देना, तो ये तो एक सेपरेट इशू हो गया। लेकिन आप ही लोग बड़ा खुश हुए थे कि एक डॉक्टर को मिनिस्टर लगा दिया गया है, वो भी सेलेक्टेड, बिकॉज शी इज़ नॉट इलेक्टेड, वो इलेक्शंस तो हार गई थी बट उनको सेलेक्ट करके मिनिस्टर लगा दिया गया। आप ही लोग, आप ही का तबका बहुत खुश हुआ था कि अब एक ऐसी पर्सनैलिटी जो है वो हमारी मिनिस्टर होंगी जो डॉक्टर्स के इश्यूज़ को समझती हैं, बट आई थिंक उनका वो जो प्राइवेट माइंड सेट है वो ज़्यादा हावी हो गया उनके मिनिस्ट्री की जिम्मेदारियों के। एक तो मैडम को सीट जो है ना तोहफे में मिली है, डिजर्व तो वो नहीं करती थी, इलेक्शन वो हारी हैं 3 दफ़ा, उनको तोहफा मिला है सीट का, अब डेफिनेटली उन्होंने वही पॉलिसी फॉलो करनी है जो उनको ऊपर से ऑर्डर आने हैं। मैडम के, मेरे ख्याल मैडम के अख्तियार में कुछ नहीं है, उनको शायद खुद भी पता नहीं है कि ये होने क्या जा रहा है सिस्टम के साथ। अच्छा। उनको डॉक्यूमेंट दे दिए जाते हैं कि आप साइन करें और इसको इम्प्लीमेंट कराएं और वो चुप करके करा लेती हैं। अच्छा, अब अस्पतालों में एहतजाज पर पाबंदी लगाई गई है, मैंने ये भी सुना है कि बड़ा डरा के रखा हुआ है उन्होंने, क्योंकि YDA जिस तरह हमें नून लीग के दौर में एक्टिव नज़र आती थी, एंड आई वुड कन्फेस कि मैंने बहुत दफ़ा YDA को क्रिटिसाइज़ भी किया है कि अपने एहतजाज के चक्कर में मरीज़ों का इस्तेहसाल होता है, YDA को ये रियलाइज़ करना चाहिए, मेरा हमेशा ये पॉइंट ऑफ व्यू रहा, लेकिन कभी भी आपके मुतालबात को गलत करार नहीं दिया। सो बहुत प्रोटेस्ट होते थे, सड़कों पर भी आप आए, मुझे वो 10 रोज़ा भूख हड़ताली कैंप भी याद है जो आपने नून लीग के दौर में लगाया, अभी YDA कहीं नज़र नहीं आ रही है, क्या वाकई में बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा डरा कर रखा? देखें, एहतजाज जो है ना वो जमहूरी हक है, अगर डी चौक पे 120 दिन धरना दिया जा सकता है, अगर वो हलाल है धरना, तो हमारा धरना हराम क्यों हो जाता है? डॉक्टर साहिबा कहती हैं अगर तब की हुकूमत रोकना चाहती तो रोक लेती, हमने मना थोड़ी किया था, हम तो रोकेंगे और मना करेंगे। नहीं, ये तो दौरा में आ रहे हैं, तो हिपोक्रेसी इसको कहते हैं, ये हिपोक्रेसी है।
कि आप अपने लिए कुछ और सोचते हैं और दूसरों के लिए कुछ और सोचते हैं। या मैडम यास्मीन आशिश साहिबा, इन्हीं बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का 2003 के अंदर मुशर्रफ साहब का जब दौर था उसके अंदर इन्हीं बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के खिलाफ उन्होंने एहतजाज किए, उन्होंने रोड ब्लॉक किए। आपके बहुत से एहतजाजों में उन्होंने आपसे इजहार यकजहती किया और वहां आकर बैठ जाती थी, तो अब अपने लिए वो डबल स्टैंडर्ड हो गए। डेफिनेट सी बात है, यही बोर्ड ऑफ गवर्नेंस थे वहां पे, तब इन बोर्ड ऑफ गवर्नर को खत्म करके एएमआई एक्ट लेके आया गया। उन्हीं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के खिलाफ मैडम ने एहतजाज किए, आज वो उन्हीं से हमें रोकने की कोशिश कर रही है। दूसरी बात यह कि वाईडीए की एक हिस्ट्री रही है कि वो कभी भी किसी भी अपना शहबाज शरीफ सीएम पंजाब जो रहे हैं, बड़ा अरसा उन्होंने पंजाब को कंट्रोल किए रखा है, जिनके सामने ब्यूरोक्रेसी भी नहीं हिल सकती होती थी जी। अगर वाईडीए उनके खिलाफ भी खड़ी हुई है ना, तो इस हुकूमत के खिलाफ भी खड़े हो सकते अच्छा, हैं हम लग और खड़े हो रहे हैं। इस हुकूमत के खिलाफ खड़े होना आसान काम है, बुज़दार साहब को आप इजी ले रहे हैं। खैर, इसी पर मैं आपसे मजीद बात भी करूंगी, लेकिन दूसरी जानिब एहतसाब अदालत से आपके लिए खबर है जी। पैरागॉन स्कैंडल केस की आज समाअत होनी थी, जिसमें नैब ने ख्वाजा बरादरान को अदालत में पेश किया गया। और आपको बताते चले कि उस समाअत के दौरान अदालत ने ख्वाजा बरादरान पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, अदालत ने ख्वाजा बरादरान पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। आज ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक को अदालत में पेश किया गया। पैरागॉन स्कैंडल केस की समाअत थी और अदालत ने दोनों भाइयों पर फर्दे जुर्म आयद कर दी है। अहम खबर दे रहे हैं आपको एहतसाब अदालत से, जिसमें पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल केस की समाअत आज होनी थी और अदालत ने ख्वाजा बरादरान पर फर्दे जुर्म आयद कर दी है। गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब, ये तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के ऊपर तो हम बात करेंगे ही और करते भी रहते हैं, लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ जो एमटीआई, एक आम आदमी के लिए ये एक्ट क्या है, इससे एक आम आदमी किस तरह मुतासर होगा, और जिस बड़ी तादाद में नर्सेस, पैरामेडिक्स, डॉक्टर्स हस्पतालों से एफिलिएटेड हैं, क्या वाकई में उनका सरकारी दर्जा ख़त्म हो जाएगा और वो एक एज अ प्राइवेट मुलाजिम जो हैं वो अभी टीचिंग हस्पतालों में काम करेंगे? जी बिल्कुल, देखिए निजकारी का जहाँ पर भी लफ्ज़ आ जाता है, इसका मतलब ये है कि आप जो गवर्नमेंट के एसेट्स हैं उनको बेचने जा रहे हैं, आप उनको एक ठेकेदारी, एक प्राइवेट निज़ाम के अंडर लेके आ रहे हैं। अब जब प्राइवेट लोग आके बैठेंगे, जब ठेकेदार आके कॉरपोरेट बॉडी बना दी जाएगी अस्पतालों के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की, तो उन्हें वहाँ पे इन्वेस्ट करना है। जब वो इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ से वो रेवेन्यू भी जनरेट करेंगे। एक्ट के अंदर क्लियर कट लिखा हुआ है कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो है वो यूज़र चार्जेस क्या हैं, जो अस्पताल के अंदर लोग आके फैसिलिटीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं उनके वो जो बिल पे करते हैं उनको यूज़र चार्जेस कहा जाता है। वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को अख्तियार हासिल होगा कि वो यूज़र चार्जेस किसी टाइम भी कम कर सकता है, किसी टाइम भी बढ़ा सकता है। कम तो मेरा नहीं ख्याल कि इस मुल्क के अंदर किसी ने है। बिल्कुल, देखें हस्पताल जो हैं वो वेलफेयर स्टेट है, वो वेलफेयर है। हुकूमत की अवलीन जिम्मेदारी है कि आपने सेहत की सहूलियात प्रोवाइड करनी है, और ये हमारा नारा है। या तो हुकूमत ऐलान कर दे, या तो हुकूमत देखें, या तो हुकूमत ऐलान कर दे कि हम अवाम को मुफ्त इलाज प्रोवाइड नहीं कर सकते, हम अवाम को मुफ्त मेडिसिन प्रोवाइड नहीं कर सकते, हम अवाम को मुफ्त लेबोरेटरी टेस्ट, एक्सरे वगैरह प्रोवाइड नहीं कर सकते, आप करें प्राइवेटाइजेशन। फिर ऐलान किए बगैर भी तो वही गैर ऐलानिया करना तो गैर जमहूरी हुआ। टेस्टों की कीमतें फीसें बढ़ा दी गई हैं, फ्री मेडिसिन जो हैं वो अवेलेबल नहीं है, पर्ची की फीस अब बढ़ाई जाएगी। अब आगे आगे आप देखिए, पर्ची के साथ साथ आपके डॉक्टर फीस बढ़ाई जाएगी। अच्छा, इसमें कहीं ये भी सुनने में आ रहा था कि अब चूंकि ये प्रॉफिट गेनिंग अगर इदारा बन जाता है, एक प्राइवेटाइज कर रहे हैं ना, यू नेवर नो कि क्या हो रहा है, अभी तो सर्विस स्ट्रक्चर डिफाइन किया जाएगा उसके अंदर, तो इसमें कहीं शायद डॉक्टर्स की सैलरीज बढ़ा दी जाएंगी और सैलरीज बढ़ाकर उनको चुप रखा जाएगा कि वो इस चीज़ के खिलाफ ना बोलें। देखें डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक, स्पेशली जो दर्जा चहरम के लोग हैं, वो मिठाइयाँ बांटते हैं अपने मोहल्लों में, अपनी गली में, अस्पतालों के अंदर, जब उनको सरकारी नौकरी मिलती है। सरकारी नौकरी का एक एजाज़ है। बिल्कुल। अब आप उनसे वो उनका हक छीन रहे हैं, वो एक एजाज़ छीन रहे हैं। देखें, हुकूमत ने 1 करोड़ नौकरियों की वादा किया। हेल्थ डिपार्टमेंट में जब मिनिस्टर साहबा बनी, 50,000 नौकरियों का उन्होंने कहा, लेकिन अब वो 50,000 नौकरियाँ भी नहीं दी गई, और ऑलरेडी जो लोग काम कर रहे हैं पब्लिक सर्वेंट राइट के अंडर, उनसे वो हक भी छीना जा रहा है। बड़े हाउसेस के ऊपर आके मैडम ने ये बयानियाँ भी दिया है कि जी कोई निष्कारी नहीं हो रही, डॉक्टर चीख रहा है, नर्सेस चीख रही हैं, पैरामेडिक्स चीख रहा है, ऑर्डिनेंस आपके सामने, ऑर्डिनेंस हमारे सामने है, डॉक्यूमेंट पूरी पब्लिक हो चुका हुआ है, हर मीडिया वाला ये बात कर रहा है कि निष्कारी हो रही है, और मैडम कहते हैं कि निष्कारी नहीं हो रही। हमने कल भी ये बयान दिया कि एमटीआई एक्ट के ऊपर आप सियासत ना करें, ये निष्कारी नहीं है, इसमें कुछ और हकीकतें हैं जो सामने आई। देखे ना, सुर्खी पाउडर लगा के उन्होंने एक नहीं मैडम तो मेकअप के बगैर नहीं मैडम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सुर्खी पाउडर लगाने के बाद मैं ये कह रहा हूँ ऑर्डिनेंस
ठीक है, नाम चेंज कर दिए, है वही का वही सारा कुछ, वही प्राइवेटाइजेशन है, सिर्फ MTI रिफॉर्म्स या MTI एक्ट, अब तो एक्ट भी नहीं रहा ना, अब तो ये हो भी ऑर्डिनेंस गया है। और ऑर्डिनेंस का मतलब ये है कि अब इस पर फॉरन से इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगा और फिर कहीं 120 दिन के बाद देखा जाएगा कि वो दोबारा असेंबली में जाए और उसको अप्रूव कराया जाए। तो ये जो एक बड़ी जैसे कहते हैं ना चालाकी खेली गई है इस गवर्नमेंट की तरफ से, अब एहतजाज का तरीकेकार क्या है आपका, क्या करने जा रहे हैं? मना कर दिया गया है अस्पतालों में जलसे जुलूस नहीं होंगे, एंड मैं आपकी बात नहीं करी, आपकी तंजीम की बात नहीं करी, हर तरफ से नर्सेज एसोसिएशंस जितनी हैं, पैरामेडिक्स एसोसिएशंस जितनी हैं, फिर ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने एहतजाज की कॉल दे दी है, लेकिन बहुत से लोग इसमें अब पेश नज़र नहीं आएंगे, वो इस वजह से भी कि अगर ये प्राइवेटाइजेशन जब होना शुरू हो जाएगी तो सबको अपनी नौकरियाँ भी पड़ जाएंगी, कि ऐसा ना हो कहीं हमें एहतजाज करने पर निकाल दिया जाए। और शायद यही दबे लफ्ज़ों में उन्होंने कल धमकी भी दी डॉक्टर साहिबा ने, डॉक्टर यास्मीन राशिद ने। तो क्या आपकी एहतजाज का क्या तरीक़ेकार होगा, क्या कॉल होगी? देखें, जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, डॉक्टर्स हों, नर्सेज हों, पैरामेडिक्स हों, वो कभी भी जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं हम उनको डिक्टेट नहीं करते होते, हम उनके नुमाइंदे हैं, वो हमें मैंडेट देते हैं, वो अपनी राय देते हैं कि हम इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं, आप लीड करें। हम ताले नहीं लगाते अस्पताल के OPDs को या इंडोर्स को, ताले नहीं लगाए जाते हैं, लोग खुद काम छोड़ के जाते हैं। जब उनको जॉब सिक्योरिटी नहीं होगी, जब उनको वो प्रिविलेजेस जो हुकूमत हमसे वादा करती है वो और नहीं मिलेगी, तो फिर जाहिर है हर कोई प्रोटेस्ट के लिए बाहर निकलेगा। डॉक्टर साहब, यहीं से हम बात का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक अहम खबर देंगे और आपको बताएंगे, दोहा से लाहौर आने वाली परवाज में मुसाफिर दिल का दौरा पड़ने से ज़िंदगी की बाजी हार गया। मुसाफिर मोहम्मद हुसैन कतर एयरवेज की परवाज 628 से दोहा से लाहौर आ रहा था। सिविल एविएशन के शोबा हेल्थ डिपार्टमेंट ने मौत की तस्दीक कर दी है। मुसाफिर मोहम्मद हुसैन की मैयत एयरपोर्ट पर वर्सा के हवाले कर दी गई है। एयरपोर्ट से आपको खबर दे रहे हैं, दोहा से लाहौर आने वाली परवाज में मुसाफिर दल का दौरा पड़ने से ज़िंदगी की बाजी हार गया। सिविल एविएशन के शोबा हेल्थ डिपार्टमेंट ने मौत की तस्दीक कर दी। मुसाफिर मोहम्मद हुसैन की मैयत एयरपोर्ट पर वर्सा के हवाले कर दी गई है। टीचिंग अस्पतालों की निजकारी के हवाले से हम प्रोग्राम कर रहे हैं, प्रेसिडेंट YDA डॉक्टर कासिम ऐवान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, अभी ब्रेक पर जाने से पहले मैं इस पूरे एक्ट को समझने की कोशिश कर रही थी और एक गरीब आदमी को भी समझाने की कोशिश कर रही थी कि असल में उसके साथ होने क्या जा रहा है। जो मुफ्त एक पर्ची आपको मिलती थी अस्पतालों में, अब वो शायद आपको 200, 300, 500, मुझे नहीं पता, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को पता है कि कितने पैसे में वो आपको मिलेगी, और उसके बाद फिर टेस्टों के लिए आपको कितने पैसे रखने हैं, पहले ही महंगाई का एक अंबार है। और मुझे याद है आप लोग जब भी प्रोटेस्ट करते थे आपका सर फहरिस्त एक मुतालबा रहता था, वन बेड वन पेशेंट पॉलिसी, गरीबों को मुफ्त अदवियात दी जाएँ, उनको सहूलियात जो है वो दी जाएँ अपने सर्विस स्ट्रक्चर के साथ साथ। अब तो वो सारे का सारा जिसे कहते हैं ना सिरे से ही चीज़ ख़त्म की जा रही है। तो इजलास जो तलब किया गया है 6 सितंबर को, उसके बाद क्या होगा, क्या तालाबंदी की जाएगी, काम बंद किया जाएगा डॉक्टर्स की तरफ से? देखिए, अगर हमारे मुतालबात नहीं माने जाते, मैं आपको बताऊँ कि मई और जुलाई के अंदर हमारे रोड साइड प्रोटेस्ट हुए, OPD की स्ट्राइक भी हुई, सेमिनार्स भी हुए, मल्टीपल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुए, उसके बाद एक कमेटी बनाई गई जिसके अंदर रिफॉर्म्स के नाम जो एक एक्ट था इसके ऊपर मुशावरत हुई हेल्थ डिपार्टमेंट, इसमें डॉक्टर्स थे, नर्सेज थे, पैरामेडिक्स थे और कुछ प्रोफेसर थे जो गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए थे, और स्पेशल सेक्रेटरी साहब की उन्होंने कन्वेंशनशिप के अंदर वो कमेटी बनाई। उसके अंदर जो हमने सजेशंस दी वो हमारे पास रिटर्न डॉक्यूमेंट मौजूद है, उसको एड्रेस ही नहीं किया गया। अब मैं बताऊं कि गरीब का मसला है क्या, हस्पतालों के अंदर रिफॉर्म्स एक्चुअल होने क्या चाहिए, बजट उठा के देख ले, हेल्थ डिपार्टमेंट का जो बजट दिया जाता है वो है 0.6% ऑफ GDP, जो कि एक्चुअल जो WHO के है, जो सर्वे है, जो कहता है कि कम से कम 6% होना चाहिए बजट, बजट बढ़ाया नहीं जा रहा है। कहाँ से आप मरीजों को वो सहूलियात प्रोवाइड करेंगे, एक्ट लेके आएंगे क्या उससे फ़र्क पड़ेगा, जब आपका बजट ही नहीं ठीक, जब आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं डेवलप हुआ हुआ। अब आप देखें इमरजेंसी के अंदर चले जाएं या इंडोर, तो अस्पतालों के हालात बेहतर हो जाएंगे। सॉरी, वो कहते हैं कि अगर हम ये ऑर्डिनेंस ले आएंगे और प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएंगे तो अस्पतालों में गरीबों को मिलने वाली सहूलियात के हालात बेहतर हो जाएंगे। मैं एक मशवरा देता हूँ, आप बजट 6% कर दें, चलें 6% नहीं कर सकते, 4% कर लें। पैसे ही नहीं है उनके पास, क्यों नहीं है पैसे? वो तो यही कहते हैं ना कि खजाने में पैसा नहीं है, और वो पिछले एक साल से तो हम एक ही चीज सुनते आ रहे हैं कि बस लूट लिया, खा लिया मुल्क को, और मुल्क में पैसा नहीं है। वो अलग बात है कि टैक्सों की मद में कितना इकट्ठा किया जा रहा है, 300 अरब के कर्जे माफ किए जा रहे हैं,
बैरून मुल्क जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है उसके ऊपर कोई एक्ट नहीं किया जा रहा। कल खबर आ रही थी कि पंजाब हुकूमत इस हद तक माली बदइंतजामी का शिकार हो चुकी है कि अगले महीने आप लोगों की सैलरीज देने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। शेख जायद में हो चुका होगा ऑलरेडी, शेख जायद में सेकंड मंथ है जो सैलरीज नहीं मिल रही है लोगों को, वहाँ पे डॉक्टर्स रापा एहतजाज भी है, नर्सेज पैरामेडिक्स रापा एहतजाज है, वहाँ पे नहीं मिल रहा उनको। शेख जायद का बजट पिछले 5 माह से रिलीज ही नहीं किया गया, लेकिन वो तो कम्प्लीटली पंजाब हुकूमत के अंदर आता भी नहीं है ना, वो उसको कोई भी ओन नहीं कर रहा है, ना फेडरल ओन कर रहा है ना उसको पंजाब ओन कर रहा है। दूसरी बात नंबर ऑफ बेड्स, ठीक है ये वो प्रपोजल है जो हमने दिए हैं इनको। मैं आपको बताना चाहूँ कि बताना चाहता हूँ और मीडिया के तवज्जो से मैं आवाम को बताना चाहता हूँ कि हम एक्चुअली चाह क्या रहे हैं कि रिफॉर्म्स अगर लाने हैं तो किस सूरत में लेके आएँ। आप बजट इंक्रीज करें, आप नंबर ऑफ बेड्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें अस्पतालों के अंदर, एक वार्ड के अंदर एमरजेंसी छोड़ दें, एमरजेंसी में रश पड़ जाता होता है, एमरजेंसी हमारे वैसे अस्पतालों की सारे एमरजेंसी छोटी हैं, वो कैपेबल ही नहीं है कि इतने सारे लोगों को। अब एक डॉक्टर जो है, एक डॉक्टर वो उसका जो ये सर्वे है ना जो हमारा 2018 का, वो वहाँ पे 8000 मरीजों के लिए एक डॉक्टर है। अच्छा। पूरे ये पाकिस्तान का बता रहा हूँ मैं आपको, 16000 मरीजों के लिए एक नर्स है और 580 बेड, 580 मरीजों के लिए सिर्फ एक बेड है। अच्छा। ये है हमारे स्टैटिक्स, ये है हमारे हालात। आप बेड्स की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है, मैन पावर इंक्रीज करने के बजाय डिक्रीज की जा रही है। आप देखिए गाइस, सेक्ट के बाद बहुत से लोग भाग जाएंगे। हमारा प्राइमरी सेकेंडरी जो मेन इदारा है, टर्शियरी केयर मेन नहीं है, प्राइमरी सेकेंडरी मेन है, उसका बजट नहीं है इनके पास, उसको चलाने के लिए डॉक्टर्स नहीं है, नर्सेज नहीं है, पैरामेडिक्स नहीं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। टर्शियरी केयर के अंदर रश क्यों पड़ा हुआ है, क्यों स्पेशलिस्ट डॉक्टर वहां पे मौजूद है, उसके बाद सहूलियात वहाँ पे मौजूद है, क्योंकि सहूलियात मौजूद है और वो सहूलियात भी आप आए रोज देखें, कहीं सिटी स्कैन मशीन खराब है, कहीं एमआरआई मशीन खराब है, कहीं एंजियोग्राफी नहीं हो रही है, कहीं पे एंजियोप्लास्टी नहीं हो रही है। पीआईसी के अंदर चले जाएं, वहाँ पे कैटेगरी है कि जी गरीब मरीज आएगा तो उसको फ्री किया जाएगा और उसका जो टाइम दिया जाएगा वो 6 महीने बाद दिया जाएगा, जो पैसे करके पैसे दे के शाम को आएगा वो पैसे देगा, 2 लाख 2.5 लाख रुपए देगा और दो दिन में उसका टाइम आ जाएगा और वो प्लास्टिक ला के, एनजीओ प्लास्टिक करा के, कोई भी प्रोसीजर करा के वहाँ से चला जाएगा। यहाँ पे भी यही होना है, बीओजी ने क्या करना है, बीओजी ने यही करना है, जो पेशेंट अफोर्ड कर सकता है, जो प्राइवेट पैसे दे सकता है 2 लाख 4 लाख 8 लाख, उसको एंटरटेन करेंगे पहले, और जो गरीब मरीज आ रहा है जो हेल्थ कार्ड के थ्रू आएगा या जो कहते हैं कि जी हम गरीब मरीजों के लिए कैटेगरी बनाएंगे और यूजेज चार्जेस उसमें कम होंगे, उनको बेड कौन देगा। एक ही वार्ड है, एक ही डिपार्टमेंट है, उसके अंदर आप कैसे कैटेगराइज करेंगे कि ये जो पेशेंट है। वन ऑन वन मीटिंग नहीं हुई आपकी मिनिस्टर साहिबा से, ये सिफारिशात आपने किसको भेजी, क्या मैडम का एटीट्यूड तो ऐसा है कि वो मीडिया के ऊपर आके बात नहीं करती, हमारे साथ क्या करेंगी। मैंने सुना है बहुत से वाईडीए के मेंबर्स को डांट भी दिया सवाल पूछने पर, उन्होंने आगे से कि मुझसे सवाल पूछोगे मैं बताऊं तुम्हें, मतलब इस तरह का। वो वैसे उन्होंने डॉक्टर्स को नहीं डांटा बल्कि उन्होंने मीडिया पर्सन को भी काफी डांटा। मीडिया पर्सन मैं कल का प्रोग्राम अगर देखें तो वो बड़े ही अग्रेसिव होकर उन्होंने मायशा उतारे और फेंके चली गई है। लेकिन आप अवामी नुमाइंदे हैं, आप जवाब नहीं देंगे तो कौन देगा। साहब नहीं है, ये गलतफहमी दूर कर लीजिए, अवामी नुमाइंदा नहीं है वो, आप खुद ही तो शुरू में कह रहे थे तोहफे में मिली है उन्हें ये मिनिस्ट्री और रास नहीं आ रही है, डॉक्यूमेंटेड तो है ना। पूरी जिम्मेदारी के साथ बात कहना चाह रही हूँ, महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर का वजूद अब खत्म हो गया, जो टीचिंग हस्पतालों मेडिकल कॉलेज के माली और जो इंतजामी अमूर हैं उनको रेगुलेट करता था, अब तो उसका दर्जा खत्म हो गया क्योंकि अब प्राइवेटली लोग आएंगे और उसको हैंडल करेंगे। अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, और मैं कल भी मुसलसल ये बात कर रही थी और बहुत से तज्जियाकार भी इस पर कह रहे थे कि ये मामला सिर्फ टीचिंग हस्पतालों की निजकारी पर नहीं रुकेगा, ये इसके बाद यूनिवर्सिटीज़ की बारी आएगी, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ की, क्योंकि प्रिंसिपल का दर्जा तो आपने ख़त्म कर दिया ना, अब उसकी जगह आप कोई नया डेजिग्नेशन जो है वो लेकर आ रहे हैं, कोई नया जो काम नहीं करेगा आप ये कह रहे हैं वो घर जाएगा। यूनिवर्सिटीज अगर प्राइवेटाइज हो गई तो इसका मतलब सब्सिडीज खत्म कर दी जाएंगी। आप भी एक सरकारी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं और आपको पता है कि किस कदर ज़बरदस्त फैसिलिटीज मिलती हैं, और हमारी मेडिकल गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो डिग्री की वैल्यू है वो पूरी दुनिया में बहुत ज़बरदस्त है। अब अगर उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, सब्सिडी खत्म हो जाएगी, तो एक गरीब का बच्चा भूल जाए कि वो डॉक्टर बन सकता है। देखें ये एक्ट, मैं बार बार एक्ट कहता हूँ, हमारे मुँह पे ऊपर एक्ट ही बन चुका हुआ है, ऑर्डिनेंस बेसिकली ऑर्डिनेंस है, गैर जमहूरी ऑर्डिनेंस। तो ये पहले बकौल हेल्थ मिनिस्टर साहिबा, जो कि उन्होंने मीडिया पे आके प्रोग्राम में कहा है कि जी हम यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर लेके आ रहे हैं, लेकिन अभी तक डॉक्यूमेंट नहीं है कौन सी यूनिवर्सिटी में आएगा, कौन से हॉस्पिटल के अंदर आएगा, किसी को कुछ नहीं पता, सबको अंधेरे में रखा हुआ है इन्होंने। एक आ जाता है, ये एक फड़ा आ जाता है कि जी हम ये करने जा रहे हैं, उससे पहले कोई मुशावरत नहीं होती है, अपने मनपसंद लोग बिठा लिए जाते हैं 8-10 साथ,
और वो मनपसंद वो लोग होते हैं जो उनके अपने अपॉइंटेड हैं, वो सरकारी मुलाजिम है, वो अपनी सीट पर जिस तरह से मैडम अपनी सीट बचाती फिरती हैं और अपना जो भी उनको टास्क दे दिया जाता है कि ये इसको आप इंप्लीमेंट करें, वो जमहूरी है या गैर जमहूरी है, उसी तरीके से उन बेचारों के साथ भी यही है, उनको रख दिया जाता है, हाँ जी आपने सीट लेनी है अपने पास, रखनी है अपने पास, या आपने इस पर साइन करने हैं। डेफिनेट सी बात है, कौन अपनी रोजी छोड़ता है, वो कह गया ठीक है मैं कर देता हूँ साइन। इसी तरीके से अभी तक कुछ भी नहीं पता कि जो मैडम ने खुद बयान दिया, जो मैंने सुना है, वो कह रहे हैं कि हम यूनिवर्सिटी के ऊपर लेके आएंगे, जिस तरह से हमारे 5 यूनिवर्सिटियाँ इस टाइम, किंग एडवर्ड है, फातिमा जिना है, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान निश्तर यूनिवर्सिटी, उसके अंदर हम ये एक्ट लेके आएंगे। अब यूनिवर्सिटी का अपना एक ऑलरेडी मौजूद है, उसमें होगा क्या, ये जो सब्सिडी एजुकेशन के नाम पर मेडिकल के स्टूडेंट्स को दी जाती है, अब वो नहीं मिलेगी। देखें अभी उसके ऊपर ना कोई क्लियर पॉइंट नहीं आया है। अच्छा, मतलब आपको भी नहीं पता? नहीं पता, किसी को नहीं पता उसका क्या बात है। जब बोर्ड देखे ना, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को इतना पावरफुल कर रहे हैं कि वो जो चाहे मर्जी वहां पे अपनी पॉलिसी इंप्लीमेंट कर लें। 7 बंदे बनाए जाएंगे, 7 लोग, 7 मैक्सिमम और मिनिमम 5, उन्होंने बैठ के वोटिंग करनी है उस पर, उन्होंने अपना एक चेयरमैन बना लेना है उन्हीं वोटिंग के साथ, वो एक किचन कैबिनेट बन जानी है, वो जो चाहे एजेंडा पुट करेंगे उसके अंदर। और दूसरी मजे की बात, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का अस्पताल से लेना देना कोई नहीं है, जो अस्पताल का डीन है या जो चेयरपर्सन है अस्पताल का, जो चेयरमैन है, उसका कोई से नहीं होगी। नहीं, वो सिर्फ एक रिटर्न डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं कि सर हम ये करना चाहते हैं, आपकी अगर इजाजत हो तो हम कर लें, वो इजाजत देंगे तो वो किया जाएगा, वो इजाजत नहीं देंगे तो वो नहीं किया जाएगा। और अच्छा, वो लोग कुछ खास फर्क पड़ता नजर नहीं आता इस हकूमत पर एहतजाजों का? सो आपकी ये जो एहतजाज की कॉल है और इजलास तलब किया गया है, उसके बाद एजेंडा जो है वो डिफाइन किया जाएगा, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे नहीं लगता कि आपके मुतालबात माने जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि ये ऑर्डिनेंस रिवर्स होगा, और मुझे लगता है कि इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। ऑल दो अपोजिशन तो इस पर एहतजाज करने जा रही है और उन्होंने चैलेंज का भी ऐलान कर दिया, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं होगा, तो क्या चुप करके सब इसी तरह से काम करते रहेंगे? वो गरीब आदमी भी मजबूर हो जाएगा हेल्थ खरीदने, जाहिर है पैसे देकर जब करना पड़ेगा तो उसको मुफ्त तो कुछ नहीं मिल रहा फिर। नहीं, इस दफ़ा देखेंगे आप जिस तरह से लोगों के अंदर बेचैनी और इसतराब पाया जा रहा है, जिस तरह से लोग अपनी जॉब को लेके इनसिक्योर फील कर रहे हैं, इस दफ़ा तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज होगा। हम हर कानूनी रास्ता भी अख्तियार करेंगे और हम हर जमहूरी रास्ता भी अख्तियार करेंगे। हम बिल्कुल, मैं मीडिया के तवसुल से आवाम को भी एड्रेस करना चाहूँगा कि आप लोग इस एक्ट को पढ़ें, मेरी बात पर यकीन ना करें, किसी दूसरे की बात पर यकीन ना करें। ये एक्ट मौजूद है, ये हर जगह पर पब्लिश हो चुका हुआ है, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट बन चुका हुआ है, आप इसको पढ़ें, आप इसके अंदर हर हर पॉइंट को पढ़ें और आप खुद फैसला करें क्या आपको ये कबूल है। क्या ये अगर कबूल है? है तो हम भी आपके पीछे खड़े, अगर नहीं है कबूल फिर आप हमारे पीछे खड़े हों। इंसाफ कार्ड का टैग लगाती है कि गरीबों के लिए हम इंसाफ कार्ड दे रहे हैं और उन्हें तो 7 लाख तक की जो मेडिकल फैसिलिटीज है वो मुफ्त में मिलेंगी। अब जो हेल्थ कार्ड है उसके अंदर एक तो उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है कि कौन से प्रोसीजर्स आप करवा सकते हो, कौन से नहीं करवा सकते। मेरे पास इस टाइम भी जो हेल्थ कार्ड का ब्रोशर जो गवर्नमेंट ने निकाला था वो मौजूद है, जिसके अंदर लिखा हुआ है सारी चीज़ें। हेल्थ कार्ड में आपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को इशू कर दिए हैं, रजिस्टर कर लें प्राइवेट हॉस्पिटल। मेरा प्राइवेट हॉस्पिटल है, मैंने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके प्राइवेट हॉस्पिटल बनाया है, मैं वहाँ पर प्राइवेट में आप देखे ना आपने? नहीं मैंने कहा पूछ लूं, ऐसा ना हो नैब आपके पीछे बढ़ जाए। अच्छा नहीं नहीं, आप मैं कोई बिजनेस टाइकून नहीं हूं। तो अब देखे ना प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर एक नॉर्मल प्रैक्टिस क्या चल रही है, प्राइवेट हॉस्पिटल प्राइवेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि उन्हें वहाँ से पैसा इकट्ठा करना है जी। एक पेशेंट एडमिट होता है नज़ला बुखार खांसी के साथ, पेशेंट एडमिट हो गया, जो ट्रीटमेंट गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर 5 से 6 हज़ार रुपये में हो जाना है उसका, और जो स्टे उसका हॉस्पिटल के अंदर एक दिन का है, प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर कितने दिन का स्टे बनाया जाता है, 4 दिन का 5 दिन का, कभी ये इशू आ गया कभी ये इशू आ गया, लॉन्ग स्टे किया जाता है ताकि पैसे बढ़ाए जाएँ। जो काम आपने 5 हज़ार में करा लेना था वो आपको 50, 60, 70 हज़ार में चला जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब उसमें होना क्या है, हेल्थ कार्ड में एक अमाउंट फिक्स कर दिया उन्होंने 7 लाख 20 हज़ार। अपेंडिक्स का पेशेंट गया है, अपेंडिक्स निकलवानी है उसने अपनी, वो वहाँ पे एडमिट हुआ है, 2 दिन का प्रोसीजर है, पैसे कितने लगने हैं उसके नॉर्मल प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर 20 से 25 हज़ार। प्राइवेट क्या करेगा, उसमें से उसका जो बिल बनाया जाएगा वो 1 लाख 1.5 लाख। अब जो पेशेंट 20 हज़ार में काम करा सकता था वो 1 लाख रुपए उसको चार्ज किया जा रहा है, वो 80 हज़ार का जो डेफिसिट है, वो 80 हज़ार का डेफिसिट कौन पे कर रहा है? बिल्कुल सही, बड़े आसान अल्फाज में आपने समझा दिया कि कार्ड में बैलेंस देकर वहां खर्च करने के लिए पैसे हैं,
हेल्थ बजट इंक्रीज करने के लिए पैसे नहीं है। पिछली हुकूमत करप्ट थी, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं देती थी, एजुकेशन फैसिलिटीज नहीं देती थी, लेकिन फिर इस दौर में गरीब आदमी को मुफ्त इलाज मिल रहा था। ये हुकूमत साफ सुथरी है, पारसा है और बहुत नेक लोग हैं, फिर भी गरीब का इस्तेहसाल हो रहा है। बहरहाल ये तो मेरे अपने पर्सनल कमेंट्स हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ने ये कह दिया कि तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज किया जाएगा और ये ऑर्डिनेंस, ये एक्ट नामंजूर करार दे दिया है। थैंक यू सो मच जी आपकी तशरीफ आवरी के लिए। इसी के साथ हम एक ब्रेक की तरफ चलेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे, एक अहम खबर देंगे आपको और बताएंगे मिसबा उल हक 3 साल के लिए कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच और चीफ सेलेक्टर मुकर्रर कर दिए गए हैं। वकार यूनुस को कौमी क्रिकेट टीम का बॉलिंग कोच मुकर्रर कर दिया गया है। वकार यूनुस को भी 3 साल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। कायम करदा 5 रुकनी पैनल ने मुतफिका तौर पर मिसबा उल हक का नाम पेश किया है। पैनल में इंतखाब आलम, बाजिद खान, असद अली खान, वसीम खान और जाकिर खान शामिल थे। दोनों कोचेस के नामों की मंजूरी चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी ने दी है। मिसबा उल हक और वकार यूनुस की पहली असाइनमेंट श्रीलंका के खिलाफ सीरीज होगी। अहम खबर आपको दे रहे हैं, साबिक कप्तान मिसबा उल हक 3 साल के लिए कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच और चीफ सेलेक्टर मुकर्रर हो गए हैं। वकार यूनुस को कौमी क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच के तौर पर कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है। 3 साल ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। कायम करदा 5 रुकनी पैनल ने मुतफिका तौर पर इन दोनों का नाम पेश किया और पैनल में इंतखाब आलम, बाजिद खान, असद अली खान, वसीम खान और जाकिर खान शामिल थे। दोनों कोचेस के नामों की मंजूरी चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी ने दी है। और इसी के साथ सेगमेंट्स हम शामिल करेंगे। सेगमेंट्स पे सबसे पहले मोबाइल रेट्स पर एक नज़र डाल लेते हैं और देखते हैं सबसे पहले हमारे पास मोबाइल का कौन सा मॉडल अवेलेबल है। हमारे पास है जी सैमसंग गैलेक्सी S9 प्लस, कीमत है इसकी 1,10,999 रुपये। हुआवे P20 प्रो 99,999 रुपये। ओप्पो F7 50,000 रुपीज। वीवो V15 39,999 रुपीज। और इसी के साथ अब आज के भाव शामिल करेंगे। हसन हमारे साथ मौजूद हैं। हसन बताइएगा कौन सी मंडी में हैं आप, क्या सूरत हाल देख रहे हैं मंडी की? बिल्कुल, शहर में अगर सब्जियों की कीमतों की बात की जाए तो कीमतों में कोई कमी नहीं देखी जा रही और गुज़िश्ता रोज़ जैसे कि प्याज की कीमत में कमी देखी गई थी, अब प्याज की कीमत में आज फिर इजाफा जो है वो देखा जा रहा है और तकरीबन प्याज जो है वो 10 रुपये फी किलो इजाफे के साथ 70 से 80 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से शहर में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह से अगर दीगर सब्जियों कीमतों की बात की जाए तो उनमें भी कोई कमी जो है वो नहीं देखी जा रही और इस हवाले से जो सब्ज़ी फरोश हैं वो यही कहते नज़र आते हैं कि जब तक बादामी बाग मंडी में कीमतों कंट्रोल नहीं किया जाएगा और वहाँ पर जो सरकारी नरखनामा जारी किया जाता है उसके मुताबिक सब्ज़ियों की फ़रोख्त को यकीनी नहीं बनाया जाएगा, उस वक्त तक शहर के किसी भी इलाके में जो सरकारी नरखनामा है उसका फ़ायदा नहीं हो सकता और उसके मुताबिक सब्ज़ियों की फ़रोख्त मुमकिन नहीं हो सकती। जबकि दूसरी तरफ जो शहरी हैं वो यही कहते नज़र आते हैं कि महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है और कोई भी ऐसी सब्ज़ी नहीं है कि जो 100 रुपये से कम हो, तो हुकूमत को ये चाहिए कि वो कम अज़ कम महंगाई को कंट्रोल करे ताकि आम शहरियों को रिलीफ मिल सके, क्योंकि शहर के जिस भी इलाके में चले जाएँ वहाँ पर जो सरकारी नरखनामा फराहम किया जाता है उसके मुताबिक सब्ज़ियों की फ़रोख्त नहीं की जाती, जिसकी वजह से जो मनमानी कीमतें हैं वो भी वसूल की जाती हैं और इस हवाले से हुकूमत को फौरी इकदाम करने चाहिए और ख़ासतौर पर जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं उनको चाहिए कि वो अपना अहम किरदार अदा करें और कीमतों को कंट्रोल करें। हसन अली आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ एक ब्रेक, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मोटिवेशनल स्पीकर शहरियार खान मौजूद हैं जिन्हें मैं खुशामदीद कहूंगी। अस्सलाम वालेकुम शहरियार, क्या हाल चाल है आपके? आज का हमारा टॉपिक नौजवान नस्ल में बेराह रवि और जो आजकल हम इश्यूज भी डिस्कस कर रहे थे और एक दो दफ़ा प्रोग्राम में काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पर बात भी की गई, फोकस भी किया गया, वो ड्रग अब्यूज़ के हवाले से है कि किस कदर ईजीली ये चीज़ें जो हैं वो हमारी सोसाइटी में अवेलेबल हो जाती हैं, जिसका शिकार होकर हमारे नौजवान ऐसी हरकतें कर जाते हैं कि वो इस सोसाइटी का हिस्सा नहीं हो सकते या खुदा ना खास्ता अपनी ही
ज़िंदगी को वो किस हद तक ख़तरे में डाल देते हैं, और ऐसे बहुत से केसेस सामने आ रहे हैं जिसमें ड्रग ओवरडोज के बायस वो नौजवान जो है वो ज़िंदगी की बाजी हार जाता है। हम किस तरफ जा रहे हैं इसमें? पहली चीज़ तो ये है कि जो प्रोडक्टिव सोसाइटीज़ होती हैं दुनिया की, वो सोसाइटीज़ जो अपनी यूथ पावर को रिकगनाइज़ करती हैं, इंगेज करती हैं यंगस्टर्स को, उनमें ये होता है कि नौजवानों को मसरूफ़ रखने के लिए कोई प्रैक्टिकेबल टास्क दे दिए जाते हैं। लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ, मतलब हम उन चंद मुल्कों में हैं जिनमें नंबर ऑफ़ यूथ सबसे ज़्यादा, उसके बावजूद हम नौजवानों को इंगेज नहीं कर रहे। इसकी मल्टीपल रीजंस हैं। एक तो ये है कि हमारे यहाँ जो टीन एजर्स हैं, क्योंकि टीन एज में जो आपका माइंड है, अगर आप साइंटिफिक रिसर्च पर भी फोकस करें तो आपका माइंड जो है वो प्रोन टू बी एडिक्टेड होता है कि कुछ भी आप कर सकें, क्योंकि आप आइडेंटिटी क्राइसिस में होते हैं, आप यू आर सर्चिंग फॉर एन आइडेंटिटी। उसमें ये होता है कि आप इजीली मैनिपुलेट हो जाते हैं। तो जो ड्रग माफिया है, कोई आपको ड्रग पे लगा दे या आप ख़ुद अट्रैक्ट हो जाएं, जिसमें पॉपुलर मीडिया का बड़ा रोल है, जिसमें उसके अलावा आपके जो वर्ड्स ऑफ माउथ हैं वो बड़े काउंट करते हैं, आप लोगों को देखते हैं। दूसरा, इस उम्र में चूँकि आप थोड़े एडवेंचरस होते हैं, आइडियल होते हैं, तो आपको जो इमेज फीड किया जा रहा है आप बहुत जल्दी उससे इंस्पायर होकर के उसके पीछे चल लेते हैं। तो हमारे मुल्क में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट्स जब प्रेशर में होते हैं तो उनके लिए काउंसलिंग नहीं है, उनको कोई पैसिफाई करने नहीं आता, कोई सपोर्ट इनक्रेज करने नहीं आता। तो वो आइडियल टाइम होता है जो ड्रग एडिक्ट बनाने के लिए बड़ा साजगार है, यानी कि जो ड्रग माफिया उसके लिए जो इजी टारगेट्स होते हैं वो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, और खास तौर पर वो टीनएजर्स होते हैं जिनकी चीज वो समझ नहीं आ। अच्छा, इसमें एक खबर आ रही थी कि हमारे लाहौर के जो तालीमी इदारे हैं वो नंबर वन यानी कि सर फहरिस्त आ गए हैं ऐसी जगहों पर जहाँ ड्रग इजीली अवेलेबल है, जिनमें अगर मैं जिक्र करना चाहूँ सर फहरिस्त जो आजकल एक नशा बहुत ज़्यादा कॉमन है आइस का, किसकी जिम्मेदारी है? क्या वालिदैन की जिम्मेदारी है इस चीज़ को वो नहीं देख रहे हैं? क्या तालीमी इदारों की जिम्मेदारी है? आप किसी एक साइड को ब्लेम नहीं कर सकते। इसमें पेरेंट्स हैं, इसमें बच्चा खुद है, इसमें आपकी सिविल सोसाइटी है, इसमें आपकी मैनेजमेंट है, ये सब मिलकर के इसको फाइट कर सकते हैं। देखिए, एक बड़ी मशहूर कहावत है कि जी दुनिया की सारी बुरी जो ताकतें हैं, बुरे जो लोग हैं, अगर आप उनका बायकॉट कर दें और आप कहें जी अच्छे लोग बुरों से इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो बुरे और स्ट्रांग होंगे, क्योंकि अब उनको काउंटर करने वाला कोई नहीं रहा। तो ऐसी हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ में ये प्रॉब्लम आ रहा है, अगर आप इसको यू लीव इट असाइड तो ये और ग्रो करेगा। तो इस वक्त सिविल सोसाइटी है, मैनेजमेंट है, इन सबको मिलकर के एक एक्शन लेना चाहिए। अब ऐसा क्यों है, क्यों यूनिवर्सिटीज़ ही टारगेट हैं? उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आप 4 घंटे 6 घंटे के लिए पेरेंट्स से दूर होते हैं। दूसरा, जो अटेंडेंस सिस्टम है यूनिवर्सिटीज़ में वो भी 75-80% होता है सेमेस्टर का, विच मीन्स कि आप एक हफ्ते के अंदर 2 या 4 क्लासेज ईजीली छोड़ सकते हैं, तो आपके पास टाइम है कि आप बाहर बैठे इंटरेक्ट करें लोगों के साथ। तीसरा ये है कि हॉस्टलाइट्स हैं, जो हॉस्टलाइट्स हैं उन पर तो चेक एंड कंट्रोल नहीं है ना। बिल्कुल। अब जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो प्राइवेट हॉस्टल्स हैं, कि जितने प्राइवेट हॉस्टल्स हैं वहाँ पे उतनी स्ट्रिक्ट सर्वेलेंस नहीं है, उतना स्ट्रिक्ट कंट्रोल नहीं है, तो बच्चे इजीली वहाँ पे। उससे उसके अलावा चूंकि लाहौर एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, यहाँ पर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, फ्रीलांसिंग है, तो इसको ज़रा उससे भी लिंक करें कि बच्चे जो पॉकेट मनी घर से लेते हैं उसके अलावा भी उनके पास रिसोर्सेज हैं कि वो 2 घंटे ऑनलाइन काम करेंगे, एड पोस्टिंग करेंगे, या फिर टाइपिंग का कोई काम कर देंगे या एडिटिंग का काम कर देंगे, और चंद पैसे वो लेकर के तो ड्रग्स खरीद सकते हैं। एक ये चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि यूनिवर्सिटी के अंदर इसके प्रेमिसेस में जो यूनिवर्सिटी की डायरेक्टर फैसिलिटीज़ का डिपार्टमेंट है उसको चाहिए कि जो जितने सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनको, मतलब मेरे चूँकि लिंक्स हैं यूनिवर्सिटीज़ में, तो आई नो इट के कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं दे आर इवन शैकल्ड, कि दे आर नॉट दैट मच इंडिपेंडेंट कि वो अगर ऐसा कोई इंसिडेंट देख लेते हैं तो उसको इंडिपेंडेंटली रिपोर्ट कर सकें, क्योंकि फिर अथॉरिटीज़ आपको बैक करेंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगी, तो होलिस्टिक तरीके से आप इसको हैंडल कर सकते हैं। ये एक ओवरऑल सिनेरियो जिस पे काम करने की सबको मिल के ज़रूरत है। बिल्कुल सही, सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं रहा। अब सिर्फ अगर हम लाहौर को टारगेट करें तो ये भी गलत होगा। कल सोशल मीडिया पर मैं देख रही थी कि कराची की बीच के ऊपर जो ट्वीट्स हुए, कुछ एविडेंसेस सामने आए, वसीम अकरम की अहलिया ने जो ट्विटर इनिशिएट किया और उसके बाद मीडिया ने उसको टेकअप किया,
बीच के ऊपर आपको 8 से 10 एक ही जगह पर सुरंजेस मिलेंगी जो पड़ी हुई हैं वहाँ पर। अब कौन उसका जिम्मेदार है? कल हम एक खबर डिस्कस कर रहे थे कि नशा फराहम करने वाले जो इंजेक्शंस हैं जिससे नशा होता है उनकी खुलेआम फरोख्त की जा रही है, कोई रोक थोक नहीं की जा रही है। अब एक बच्चा जिसको अंदाज़ा नहीं है, 17-18 साल का बच्चा, कि उसके उस नशे से क्या इम्पैक्ट हो सकता है, वो चीज़ें अगर इजीली अवेलेबल होंगी तो फिर दोनों साइड जिम्मेदार हो गई ना, फिर तो रियासत भी जिम्मेदार हुई इस चीज़ की। डेफिनेटली देखें, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारे वो सरकारी इदारे हैं जिनका काम है कि ड्रग यूज़ को आप रोकें, आप उन लोगों को पकड़ें। देखें, अगर आप एक ड्रग यूज़र को पकड़ते हैं और उसको रोकते हैं तो आप पहले ये भी तो देखें कि उसके बाद ड्रग्स कहाँ से आए, तो आप इसको लीड करें। यानी कि क्रिमिनोलॉजी में यह है कि आप एक क्रिमिनल को पकड़ते हैं तो फिर आप उसके पीछे पूरी चेन पकड़ते हैं, तो पहला काम तो यह है कि आप पूरी चेन पकड़ें। दूसरा यह है कि आप जो ड्रग यूज़र है उसका सोशल बायकॉट ना करें, मतलब आप ये ना करें कि एक ड्रग यूज़र है तो आप उसको कहेंगे जी हमने आपको बिल्कुल आप अलहदा कर दिया है, सो आप आउटकास्ट हैं, आपका सोसाइटी में ऐसा कोई रोल नहीं है। तो आप सिंपली ऐसा करके आप ड्रग माफिया को और स्ट्रॉन्ग कर। लेकिन शहरयार, अनफॉर्चुनेटली हमारे नौजवानों का मसला सिर्फ नशा नहीं है, बहुत से ऐसे इंसिडेंट सामने आ रहे हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसे सामने आ रही हैं जिनमें अगर मैं जिक्र करूं राहजनी का, चोरी डकैती का, तो उसमें भी नौजवान मुलव्वस पाए जाते हैं। जितनी नेगेटिव एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी नौजवान मुलव्वस पाए जाते हैं। और अभी रिसेंटली जो एक इंसिडेंट हुआ, कुछ वीडियोज़ लीक की गई, मैं उस इंसिडेंट के ऊपर तो बात नहीं करना चाहूँगी, लेकिन उसमें जिस तरह से वो वीडियोज़ लीक की गई और आप देख सकते हैं कि नौजवान नस्ल किस तरफ जा रही है, ये सोसाइटी उन्हें किस तरफ लेकर जा रही है, क्या हल है इसका, क्या कर सकते हैं हम? देखिए, इसमें पहली चीज़ तो ये है कि आप दो तरह से काम करें। एक तो आप मोरल इंजेक्शन जो है वो आप बच्चों को दें, मतलब आप अखलाकियात का दर्स दें लोगों को। दूसरी चीज़ ये है कि आप एजुकेशन के ज़रिए इसकी अवेयरनेस दें। मेरा ख्याल है कि सारे लोग जो ये काम कर रहे हैं, जो जो भी आपने नाम लिया अभी जो रिसेंट वीडियो है, लेट्स नॉट नेम इट, लेकिन वो हमारी सोसाइटी के लिए बड़ी अलार्मिंग एक पिक्चर डेवलप होती है उससे। इसमें क्या है कि आप जब तक बच्चों को अवेयरनेस नहीं देते आप उनको रोक नहीं सकते। मुझे आपकी एक बात बड़ी जबरदस्त लगी, किसी चीज को कॉर्नर कर देना, दैट वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, उसको एक टैबू बना देता है और फॉरबिडन चीजें, मना की गई चीजें हमेशा अट्रैक्ट करती हैं। इफ यू कैन नॉट टॉक अबाउट हरासमेंट, इफ यू कैन नॉट टॉक अबाउट सेक्स, इफ यू कैन नॉट टॉक अबाउट योर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन विद योर चाइल्ड, फिर वो उस तरफ जाएगा, वो उन चीजों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा। ये एज अ सोसाइटी हमें चीजें समझ क्यों नहीं आती? इसलिए कि आपकी सोसाइटी में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। एक घर के अंदर एक बच्चा अगर इस राह पे चल पड़ता है तो पूरा घर उसको टेकअप नहीं करता, आपको एज अ फैमिली बैठना है। छुपाने की कोशिश करते हैं, समझाने की बजाय, बात करने की बजाय, वो बच्चा जब गूगल पर ये सारी चीज़ें सर्च करता है और फिर खुद प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चले जाता है तो फिर यकीन जानिए बात हाथ से निकल जाती है। 20th सेंचुरी का फिलोसोफर है बर्ट्रेंड रसल, उसकी एक किताब है ऑन एजुकेशन, उसमें वो ये कहता है कि आप बच्चे को उसका किसी किस्म का कोई सवाल टैबू ना बनाए। अगर आप बच्चा चाइल्ड ग्रोथ में, जब एक बच्चा 4-5 साल का है, इंक्विजिटिव है, सवाल करता है, आपको वो सवाल करता है, आप उसको नॉर्मली जवाब दें, डोंट रिएक्ट किसी किस्म का भी कोई सवाल। ये मत कहें कि ये ओहो इसने क्या, अगर आप रिएक्ट करेंगे, ओवर रिएक्ट करेंगे, उससे क्या होगा कि वो टैबू बनेगा और बच्चा और इंक्विजिटिव होगा। तो एक बार जो आपका ये सवाल था, लेट्स फाइंड इट अप कि इंक्विजिटिवनेस जो है ना उसको आप प्रमोट करें और आप एज अ यूनिट उसके साथ मिल करके बच्चों को आप टीच करें, बच्चों को आप ट्रेन करें। एंड आई थिंक द चंक आई विल टेक आउट ऑफ योर कन्वर्सेशन इज कि मैं आज तहैया करती हूँ कि मेरा बेटा मेरे से, मेरे हस्बैंड से जो भी सवाल पूछेगा, जिस भी मुताबकत से पूछेगा, उसको हर चीज को एक्सप्लेन किया जाएगा एंड विल मेक इट फ्रेंडली। सो आज मैं ये तहैया कर रही हूँ क्योंकि मुझे फ्यूचर की परवाह है और आई थिंक जो लोग देख रहे हैं उनको भी ये चीज रियलाइज करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच शहरयार फॉर कमिंग, और इसी के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे, इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।